Sir, when we
Good evening. Good evening, sir. Good evening. चलिए एक सेकंड रुकिए, मैं कॉल कर लूँ सर को. चलिए सर बना रहे हैं बस मुझे होस्ट. हाँ बताइए जरा, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था? हेलो सर, आज मास्टर थ्योरम. अच्छा हाँ, मास्टर थ्योरम हमने नहीं किया था और उसके बाद में सॉर्टिंग टेक्निक करनी इस शायद से शुरू कर दी थी हमने. यस सर. सॉर्टिंग टेक्निक में हमने कौन सी टेक्निक की थी? बबल सिलेक्शन. अच्छा सिलेक्शन और बबल. पहले तो ये बताइए सिलेक्शन और बबल में कोई डाउट? शायद से बबल मैंने थोड़ा सा स्पीड में किया था. Yes, बबल सॉर्ट में किसी कोई डाउट है? जल्दी बोलो. हाँ सर. बबल सॉर्ट तो क्लियर है सबको? यस सर. तो हेडिंग डालिए मास्टर थ्योरम. सबसे पहले हम मास्टर थ्योरम करते हैं, मतलब डिवाइड एंड कॉन्कर कंप्लीटली कंप्लीट करते हैं. इसके बाद में हम रिमेनिंग सॉर्टिंग टेक्निक्स करेंगे. इंसर्शन सॉर्ट कराई थी क्या मैंने? No, sir. No, sir. लिखिए तब तक. हेडिंग डालिए मास्टर थ्योरम. नाउ सबसे पहले तो अभी अभी सुनिए ध्यान से, हो सकता है रिक्वायरमेंट भी नहीं है मुझे 5 मिनट तक. ध्यान से सुनिएगा क्या मैं बोल रहा हूँ. आज मैं मास्टर थ्योरम कर रहा हूँ, डिवाइड एंड कॉन्कर कंप्लीट होगी. सबसे पहले मैं आपको मास्टर थ्योरम बताऊंगा अकॉर्डिंग टू बुक्स. क्लियर है? अरे कहने का मतलब जो आपने बीटेक में पढ़ा है अकॉर्डिंग टू बुक्स मास्टर थ्योरम हमारी क्या है. क्लियर है ना? इसके बाद में हम देखेंगे कि रियलिटी में मास्टर थ्योरम हमारी क्या है. समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है पहले मैं अकॉर्डिंग टू बुक्स आपको बताऊंगा, तो जब तक मैं अकॉर्डिंग टू बुक्स बताऊं, जब तक मेरे अकॉर्डिंगली मास्टर थ्योरम कंप्लीटली कंप्लीट ना हो जाए, तब तक अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कोई डाउट, इसका मतलब मैं क्या मीन कर रहा हूं? बोले जल्दी. जो कुछ मैंने लिखा है, जो कुछ मैंने बोला है, उसमें कोई डाउट है कि नहीं? समझ में आ रहा है? यस सर. जब फाइनली मैं मास्टर थ्योरम अपने एंड से कंप्लीटली कंप्लीट कर दूं, तब तो मैं आपसे बोलूंगा ही बोलूंगा अब कोई भी डाउट है तो पूछो. क्लियर है ना? यस. तब तक अब जब मैं मास्टर थ्योरम कर रहा हूं तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक बीटा का टेस्ट हो जाए. हेलो.
और सुनिए ना, से ऑब्वियस सी बात है, मुझे थोड़ी ना मास्टर थ्योरम पता है, मैं तो किसके भरोसे आया हूँ मास्टर थ्योरम की क्लास लेने, पता ही नहीं रहा कोई। अरे तनीषा जी हो ना? हाँ सर। तान्या आप? हेलो, हम नहीं बोलेंगे सर, हम बोलेंगे ही नहीं। चलिए देखिए ध्यान से, अरे आप ही लोग बताने वाले थे, नौ लिखिए जल्दी से, बन गया हूं मैं होस्ट, लिखिए मास्टर थ्योरम, हेडिंग डालिए मास्टर थ्योरम पे लिखिए, मास्टर थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज रेकरेंस रिलेशन, मास्टर थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज रेकरेंस रिलेशन व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ, मास्टर थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज रेकरेंस रिलेशन व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ, क्लियर? नो, कहने का मतलब है, सुनिए ना से, मास्टर थ्योरम तभी एप्लीकेबल होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था मास्टर थ्योरम, सुनिए वो चीज रिपीट कर रहा हूं, मैंने आपसे क्या बोला था, रेकरेंस रिलेशन सॉल्व करने के हमारे सिलेबस में 3 मिनट है, अभी मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं अकॉर्डिंग टू बुक्स बोल रहा हूं, थोड़ा जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपको पहले ही बता चुका हूं। नाउ देखिए, रेकरेंस रिलेशन सॉल्व करने के हमारे सिलेबस में 3 मेथड है, रिकर्सिव टी मेथड, मास्टर थ्योरम एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ सबसे सिंपल कौन सा होता है? मास्टर थ्योरम। क्यों? 3 फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला पुट करते हो आप आंसर निकल आता है तुरंत, क्लियर? लेकिन मास्टर थ्योरम की लिमिटेशन होती है, वो हर रेकरेंस रिलेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते यूजिंग मास्टर थ्योरम। तो अब उसके बाद हम कहां जाते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड की केवल एक ही लिमिटेशन होती है, और अगर वो लिमिटेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड की तो लिमिटेशन बताई थी ना मैंने आपको, यस सर, यस सर, राइट हैंड साइड एक से ज्यादा डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल नहीं होनी चाहिए, यस सर। Now, अगर सपोज ऐसा होता है तो फिर हम कहां चले जाते हैं? रिकर्सिव टी मेथड पे, क्लियर है? यस सर, यस सर। नाउ अब देखिए रहता से, तो मास्टर थ्योरम की हमारी 3 लिमिटेशन होती है, याद आ रहा है बीटेक में? हेलो, मास्टर थ्योरम की हमारी 3 लिमिटेशन होती है ना, उसकी लिमिटेशन क्या होती है सुनिए ध्यान से, एक दो मैं बता दे रहा हूँ बाकी आप बताना, क्लियर है? सबसे पहले तो रेकरेंस रिलेशन हमारी इस फॉर्म की होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है? राइट हैंड साइड डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल केवल एक ही होनी चाहिए, यस सर। और कह सकता हूं प्रॉब्लम शुड बी डिवाइडेड, मतलब कह सकता हूं प्रॉब्लम शुड बी एप्लीकेशन ऑफ डिवाइड एंड कॉन्क्योर। क्यों? सुनिए ध्यान से, AT n / b, a क्या बताता है हमारा, बोलो, नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम, n / b इनपुट साइज प्रॉब्लम, fn इज द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू डिवाइड एंड कंबाइन द सब प्रॉब्लम, सर जल्दी से पहले ये लिखिए, हेलो, यस, देखा नहीं सर, लिखिए जल्दी से, ए इज नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम, एन बाय बी साइज ऑफ ई सब प्रॉब्लम, एफएन इज द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू डिवाइड एंड कंबाइन द सब प्रॉब्लम, रिक्वायर्ड टू डिवाइड एंड कंबाइन द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू डिवाइड एंड कंबाइन द सब प्रॉब्लम। लिख लिया? Yes, sir. चलिए देखिए ध्यान से, अब मास्टर थ्योरम की लिमिटेशन बताता हूं, 2 लिमिटेशन मुझे पता है वो मैं बता दे रहा हूं, बाकी लिमिटेशन आप बताना मुझे, ठीक है? तो पहली लिमिटेशन क्या है, जैसे कि जो हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड की लिमिटेशन है, वही हमारी मास्टर थ्योरम की लिमिटेशन है, क्या ये क्या है, ए नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स, ए हमारी मतलब राइट हैंड साइड कितनी फंक्शन कॉल हो, एक से ज्यादा डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रहा है? यहाँ पे राइट हैंड साइड फंक्शन कॉल की हमारी एक है, नहीं एक से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा कितनी भी हो वो कोफिशिएंट के फॉर्म में आएंगी क्योंकि सारी एक जैसी हैं, सर समझ में आ रहा है? जैसे मैंने आपसे बोला 2t n / 2, इसका मतलब क्या है, राइट हैंड साइड फंक्शन कॉल तो एक ही है, ए फंक्शन कॉल तो 2 है लेकिन डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल तो एक ही है, यस सर। तो मास्टर थ्योरम की पहली लिमिटेशन मैंने आपको क्या बता दी, कि राइट हैंड साइड एक ही डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल होनी चाहिए। Now, दूसरी लिमिटेशन क्या, प्रॉब्लम शुड बी डिवाइडेड बिकॉज बी शुड बी ग्रेटर देन 1,
बी क्या है एन बाई बी एन यानी कि डेनोमिनेटर क्या है ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन है इसका मतलब क्या है प्रॉब्लम डिवाइडेड और नॉट. हेलो यानी कि मतलब जिस भी एल्गोरिथम की रेकंसिलिएशन होगी वो एल्गोरिथम डिवाइड एंड कॉन्कर का एप्लीकेशन होनी चाहिए. यस सर. चलो दो लिमिटेशन मैंने आपको बता दी, एक लिमिटेशन मुझे बताना जब मैं पूछूं. ठीक, अब हम मास्टर थ्योरम देखते हैं अकॉर्डिंग टू बुक्स. ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, मास्टर थ्योरम में हमारे तीन केसेस बनते हैं, याद आ रहा है? यस सर. यस मास्टर, अगर रेकंसिलिएशन हमारी इस फॉर्म की है तो फिर हम क्या चेक करते हैं? केस वन. केस वन ध्यान से देखिए, हम तीनों ही केसेस में क्या निकालते हैं? एन टू द पावर लॉग ए बेस बी, याद आ रहा है? यस सर. अब सुनो ध्यान से, मैं जो लिख रहा हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ उसको मीनिंगफुली समझना, क्योंकि अगर आप मीनिंगफुली समझ गए तो थोड़ी देर बाद जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको शर्म नहीं आएगी, आप आंसर बताओगे. और मीनिंगफुली नहीं समझे तो फिर शर्म के लिए तैयार हो जाना. क्लियर है ना? यस सर. देखिए ध्यान से, मास्टर थ्योरम में हम क्या करते हैं, हर एक केस में एन टू द पावर लॉग ए बेस बी देखते हैं और उसका कंपैरिजन किसके साथ करते हैं? एफएन के साथ. हेलो. यस सर. अगर मैं इनफॉर्मली बोलूं तो क्या, अगर fn greater तो वो आंसर, n to the power log a base b greater तो वो आंसर, दोनों इक्वल तो fn log n, याद आ रहा है? Yes sir. तो देखिए ध्यान से, अब डिटेल में करता हूं, तो देखिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से. If fn is big go of n to the power log a base b, अगर fn क्या है हमारा, या फिर सुनिए ध्यान से, आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो जाए इसलिए पहले मैं केस 2 बता रहा हूं. क्या बता रहा हूं पहले? केस 2. नाउ देखिए, If fn is theta of n to the power log a base b, अगर fn theta of n to the power log a base b है, theta का मतलब क्या है? Average. क्या? Pa. Equal. यार ये theta का मतलब equal होता है कि नहीं? Sir. Theta means average case. बोलो. No sir. देखो एवरेज केस कैसे बोल सकते हो, पहली क्लास से बताता आ रहा हूं. देखो ध्यान से, अरे क्या बिगो क्या होता है, लेस देन इक्वल टू ओमेगा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा क्या होता है, एसिम्प्टोटिकली इक्वल. यस सर. देखो ध्यान से, पहले केस 2 देखिए जरा. इफ fn इज थीटा ऑफ n टू द पावर log a बेस बी, मतलब fn क्या है, n टू द पावर log a बेस बी से एसिम्प्टोटिकली इक्वल है कि नहीं? यस सर. देन tn इक्वल्स थीटा ऑफ fn log n, याद आ रहा है? और सुनील से, क्वेश्चन का आंसर हमेशा थीटा में आएगा कि नहीं आएगा? हेलो. लिखिए पहले जल्दी से. अब आइए जरा पहले ये लिख लो, फिर ध्यान से सुनना जो मैं केस वन को सॉल्व करते समय बोलूंगा. इतना लिखा? यस सर. चलिए आइए जरा देखिए ध्यान से, अब मैं केस वन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ. If fn is big go of n to the power log a base b, कहने का मतलब big o हमारा less than equal to होता है, लेकिन equal to वाला केस हमने theta में cover कर लिया ना? Yes sir. तो कहने का मतलब ये big o standard notation है, इसलिए ये big o होता है. Reality में क्या होता है? Small o होता है, मतलब asymptotically less than होता है fn. समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो ध्यान से, n to the power log a base b के साथ अगर आप compare करोगे तो होगा क्या? या तो fn greater होगा या smaller होगा या equal होगा? Yes. यही तीनों केसेस बनते हैं हमारे मास्टर थ्योरम के. तो देखिए ना, ये दूसरा केस था इक्वल वाला, अब क्या बनेगा हमारा केस? स्मॉलर वाला, लेकिन स्टैंडर्ड नोटेशन हमारे बिगो और ओमेगा हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू बोलते हैं, जबकि रियलिटी में वो क्या होता है, लेस देन होता है. क्लियर है? Yes, sir. देखो ये है, होता क्या है हमारा, अगर fn हमारा छोटा है n to the power log a base b से, छोटा है मतलब इसका क्या है कि n to the power log a base b बड़ा है कि नहीं? Sir. Yes, sir. n to the power log a base b बड़ा है and using some constant which is epsilon, और ये बता दे रहा हूँ TOC वाला epsilon नहीं है कि null string बोलने लगो. हेलो. and yes, using sir. some constant epsilon where epsilon is greater than zero, ये दोनों आ जाते हैं equal. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, जो ग्रेटर वो आंसर, मतलब थीटा ऑफ एन टू द पावर लॉग ए बेस बी. क्लियर? हेलो. यस सर. चलिए देखिए ध्यान से, केस 3 ऑफ मास्टर थ्योरम. अब क्या होगा, fn हमने लेस देन इक्वल टू देख लिया, इक्वल टू देख लिया, अब क्या ग्रेटर? इफ fn इज ओमेगा ऑफ
फिर से ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, एफ एन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है एन टू द पावर लॉग ए बेस बी से रियलिटी में ये क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू वाला तो केस हम केस टू में कवर कर चुके हैं, रियलिटी में क्या है ग्रेटर देन, लेकिन स्टैंडर्ड नोटेशन हमारा ओमेगा है जो कि हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, इसलिए हम ओमेगा लिखते हैं जबकि रियलिटी में वो स्मॉल ओमेगा होता है। क्लियर है? Yes, sir. तो कह सकता हूँ अगर एफ एन हमारा ग्रेटर देन है एन टू द पावर लॉग ए बेस बी से, तो मतलब एन टू द पावर लॉग ए बेस बी छोटा है एंड यूजिंग सम कॉन्स्टेंट epsilon and using some constant epsilon where epsilon greater than zero and using some constant days, अगर ये दोनों हमारे equal आ जाते हैं, ये दोनों हमारे equal आ जाते हैं and ध्यान से देखिए case three में दो condition होती थी कि नहीं, and a f n by b क्या हो less than and a f n by b should be less than equal to c f n where c is less than 1 and is a constant, agar saath mein ye bhi condition ho to time complexity kya ho jati hai hamari, jo greater wo answer, matlab kaun greater tha idhar f n, time complexity is theta of yaad aa raha hai? Hello, no sir, बिल्कुल याद नहीं आया, ये थोड़ा सा याद है। देखिए ध्यान से, अकॉर्डिंग टू बुक्स जितनी भी चीजें समझाने वाली थी, अकॉर्डिंग टू बुक्स फिर से बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू बुक्स जितनी भी चीजें समझाने वाली थी मैंने सारी की सारी चीजें समझाई हैं। हाँ, एग्जांपल से आपको और क्लियर करा दूंगा, लेकिन बताई तो मैंने अभी सारी की सारी चीजें हैं। पहले जल्दी से लिख लो, अरे नहीं क्लियर है तो टेंशन ना लो, अभी मास्टर थोड़ी ना कंप्लीट हुई है। हो गया? नो सर। इसे पहले लिख लो जल्दी से। हो गया? एक बार बोलो तो फिर से तीनों की तीनों केस बोलूं। सर एक बार और बोल दीजिए। मैं फिर से सारे के सारे केस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। सुनिए ध्यान से, मास्टर थ्योरम हमारी तभी एप्लीकेबल है जब रिकंसिलिएशन हमारी किस फॉर्म की हो, fn n equals atn by b plus fn where a should be greater than equal to 1 and b is greater than 1, और a हमारा क्या बताता है नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम, n by b क्या बताता है हमारा साइज ऑफ ईच सब प्रॉब्लम, एंड fn क्या बताता है हमारा अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू डिवाइड एंड कंबाइन द, बोलो और एक से ज्यादा भी फंक्शन कॉल हो तब भी कोई इशू नहीं, बस सारी की सारी हमारी आइडेंटिकल होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल राइट हैंड साइड, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मास्टर थ्योरम की पहली लिमिटेशन क्या है, राइट हैंड साइड एक से ज्यादा डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल नहीं होनी चाहिए। दूसरी लिमिटेशन, प्रॉब्लम डिवाइड एंड कॉन्क्योर का एप्लीकेशन होनी चाहिए क्योंकि बी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और बी डेनोमिनेटर में आ रहा है, यानी कि डेनोमिनेटर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होगी इसका मतलब प्रॉब्लम शुड बी डिवाइडेड। चलिए देखिए ध्यान से, अब मास्टर थ्योरम के तीन केस बनते हैं, हर एक केस में हम कंपैरिजन किसके साथ करते हैं, एन टू द पावर लॉग ए बेस बी के साथ। किसका कंपैरिजन, एफएन का कह सकता हूं, डिवाइड एंड कंबाइन टाइम का। अब देखिए ध्यान से, तो मैंने क्या बोला, होगा क्या, या तो n टू द पावर लॉग ए बेस बी ग्रेटर होगा या fn ग्रेटर होगा या दोनों एसिम्प्टोटली इक्वल होंगे। अगर n टू द पावर लॉग ए बेस बी ग्रेटर तो वो आंसर, fn ग्रेटर वो आंसर, दोनों इक्वल तो वो इनटू log n। नाउ कैसे, अब देखिए ध्यान से, केस 1 अब बोल रहा हूं डिटेल में, इफ fn इज बिग गो ऑफ, सबसे पहले केस 2 समझिए, इफ fn इज, देखिए ध्यान से, रियलिटी में n टू द पावर लॉग ए बेस बी का अगर आपने ये रेड मार्कर देखना, अगर आपने n टू द पावर log a बेस b का कंपैरिजन किया fn के साथ, तो देखो ध्यान से, रियलिटी में होगा क्या, या तो ग्रेटर देन होगा या फिर लेस देन होगा या फिर इक्वल टू होगा, इन्हीं तीनों में से कुछ एक होगा। यस सर, यस सर। ध्यान से, इक्वल टू क्या होता है हमारा, थीटा एसिम्प्टोटिक नोटेशन है, स्टैंडर्ड एसिम्प्टोटिक नोटेशन है, बिग ओ स्टैंडर्ड है, स्मॉल बिग ओ बिग ओमेगा स्टैंडर्ड है, लेकिन स्मॉल ओ क्या है और स्मॉल ओमेगा क्या स्टैंडर्ड है, No, sir. तो इनका यूज किया जाता है। तो अब ध्यान से देखना, मैं बोल क्या रहा हूँ, देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमने क्या किया, केस टू बताता हूँ।
अगर n टू द पावर log a बेस b, अगर fn हमारा n टू द पावर log a बेस b का इक्वल हो जाता, क्योंकि थीटा क्या हमारा इक्वल, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, fn log n. क्लियर सर? नाउ केस वन देखिए ना, सी अगर fn क्या हो, लेस देन हो n टू द पावर log a बेस b से. मैं लेस देन बोल रहा हूं, रियलिटी में बिगो लिखते हैं, मैं लेस देन बोल रहा हूं, जो चीज लेस देन है वो लेस देन इक्वल टू तो है ही. Yes, sir. तो yes, sir. अगर fn क्या हो less than हो n पावर log a बेस बी से, तो इसका मतलब क्या, using some constant e where e is greater than zero, ये दोनों हो जाएं asymptotically equal, तो कौन सा ग्रेटर था, fn a sorry n टू पावर log a बेस बी, तो वही आंसर. क्लियर? यस. नाउ सेकंड केस टू हो गया. केस थ्री देखिए ना, अगर fn क्या हो ग्रेटर देन हो n टू पावर log a बेस बी से and using some constant e, ये दोनों क्या हो जाएं हमारे equal हो जाएं, where e is greater than zero, तो अगर ऐसा हो जाता है साथ में a f n by b, और a और a क्या number of sub problem, b क्या size of each sub problem, अरे यही value, ये less than होता है c f n से using some constant c whose value is less than one, तो time complexity क्या होगी, theta of f n. clear? yes sir. yes sir. now अब आपके बारे में एक चीज बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से. जब आप बीटेक में मास्टर थ्योरम आपने पढ़ी थी, तो मुझे ऐसा लगता है आपने केस वन पढ़ा था, केस टू पढ़ा था, आंसर निकालते थे. कहने का मतलब आप n टू द पावर log a बेस b का कंपैरिजन करते थे fn के साथ, fn ग्रेटर वो आंसर, n टू द पावर log a बेस b ग्रेटर वो आंसर, दोनों इक्वल तो वो इनटू log n करते थे. मुझे ऐसा लगता था कि जब, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी केस थ्री आता था, तो आप हमेशा केवल ये कंडीशन चेक करते थे, जबकि आप ये वाली कंडीशन, नीचे वाली कंडीशन कभी चेक ही नहीं करते थे, और आंसर आपका हमेशा ही करेक्ट आता था. समझ में आ रहा है सर? अरे ऐसा ही होता था कि नहीं, कि सेकंड कंडीशन कभी चेक करते थे? नो सर, कभी चेक नहीं. नाउ सेकंड कंडीशन आप कभी भी चेक नहीं करते थे, और आंसर आपका हमेशा ही करेक्ट आता था. इसका मतलब तो यही है ना कि सेकंड कंडीशन कोई ऑब्वियस सा स्टेटमेंट बोल रही होगी. यस सेकंड सर, ऑब्वियस चीज बोल रही होगी, तभी तो आप कभी भी चेक नहीं करते थे और आंसर हमेशा करेक्ट आता था. यस सर. तो वो चीज क्या बोल रही है, वो मुझे आज तक क्लियर नहीं हुआ, तो वो मुझे बताना आप लोगों, बाद में बता देना. ये क्लियर है अभी? यस सर. नाउ तो अब देखिए रे ध्यान से, पहले तो हम अकॉर्डिंग टू बुक्स रैप कर लेते हैं. तो मैंने आपको तीनों केसेस बता दिए, मतलब तीनों फॉर्मूले बता दिए. अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. पहले तो बताइए रे जल्दी से, ये रब कर दूं? यस सर. या फिर एक काम करता हूं, मैं रब नहीं करता हूं, हद से ज्यादा मिनिमाइज कर देता हूं, आप मान के चलो रब कर दूंगा. तो मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी. क्लियर? Yes, sir. मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल को सिंसियरली करिएगा सारी सारी, ठीक है? लिखिए n इक्वल्स 2t n बाय 2 प्लस n करिए.
ये सारे के सारे क्वेश्चन करिए। सुनिए से एक क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ, इसके बाद में आप करना, ठीक है? एक क्वेश्चन मैं डिटेल में कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन करूंगी पाप। चलो एक मैं क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, हाँ पापी कर दे रहा हूँ, डिटेल में कर दे रहा हूँ, लेकिन फिर समझना कि हमें करना कैसे है रियलिटी में। सुनो ध्यान से, एक सेकंड करना बंद करिए, जो आप लोग आप में से मैक्सिमम लोग कर रहे हैं मुझे भी पता है वो सिंपली है, आप फॉर्मूला लगाते हो सीधे आंसर निकालते हो। हेलो yes. अरे वो ये इतने क्वेश्चन सिर्फ इसलिए दिए हैं आपकी प्रैक्टिस आ जाए, प्रैक्टिस में आ जाए वो चीज। जितने लोगों ने बीटेक में नहीं पढ़ी है, ढंग से नहीं पढ़ी है, वो स्पीड में करना सीख जाए। चलो देखो ध्यान से हम करेंगे कैसे, पहला क्वेश्चन डिटेल में देखिए, फिर शॉर्ट फॉर्म में करूंगा, ठीक है? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, n इक्वल्स 2t n by 2 plus n। पहले तुम मुझे बताइए क्वेश्चन का आंसर थीटा में आता है कि नहीं आता है? यस सर। यस सर, क्वेश्चन का आंसर हमेशा थीटा में आएगा, इसीलिए देखिए मास्टर थ्योरम के तीनों केसेस में जो हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखी है वो थीटा में लिखी है कि नहीं? यस सर। चलो देखो एकदम से, नाउ मैंने क्या किया, मास्टर थ्योरम हमारी कब लगती है, जब रेकरेंस रिलेशन हमारी at n by u plus fn की फॉर्म की हो। अब इस रेकरेंस रिलेशन को उस रेकरेंस रिलेशन के साथ कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, जल्दी जल्दी बोलो, 2, b की वैल्यू 2, fn की वैल्यू n, n। तो अब ध्यान से देखिए, हर केस में हम n to the power log a base b के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो सबसे पहले n to the power log a base b की वैल्यू निकाल लो, तो n to the power log 2 base 2, log 2 the same base 1, यानी कि n आ गया। Yes, sir. तो ध्यान से देखिए, ये हमारा केस टू है कि नहीं मास्टर थ्योरम का? Yes, sir. क्या n to the power log a base b is theta of fn है कि नहीं? nn दोनों इक्वल है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. का मतलब है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, theta of fn log n, डायरेक्टली लिख दूं? Yes, sir. fn log n मतलब fn क्या है हमारा, n log n, log n क्लियर है? यस सर, लिख लेना। चलो ये तो केस टू बता दिया, केस टू हमारा सिंपली था, केस वन और थ्री एक एक और बता दे रहा हूँ ऐसे ही पाप करके। पहले तो ये तो ऐसे ही करेंगे, ये ये पाप है, ये इतनी सारी इंक वेस्ट हो गई। पहले एक एक करके केस वन और केस थ्री आपको बता दूं, इसके बाद में बता दूं करेंगे कैसे। करूं राब? Yes, second question, कोई भी डाउट हो तुरंत बता दीजिएगा, 2t n by 2 plus n square है कि नहीं? Yes, sir. 2 की value 2 n square। Now हमने क्या निकाला, n to the power log a base b, तो n to the power log 2 base 2 यानी n power 1 यानी कि n। तो अब ध्यान से देखिए जरा, fn और n to the power log a base b में क्या रिलेशन है, देखिए ध्यान से, n to the power log a base b क्या है हमारा, n है, fn हमारा n square है, मतलब omega है कि नहीं? Yes sir। तो ध्यान से मैंने क्या बोला था, if fn is, ये यही था। Yes sir। बस epsilon greater than 0 लिखा है इधर पे, ठीक है ना? Yes. देखिए ध्यान से, मैं आगे की सेकंड कंडीशन मैं भी चेक नहीं करता हूं, ठीक है? तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो fn क्या है हमारा, n स्क्वायर, n स्क्वायर, ध्यान से बताना जरा जो मैं बोल रहा हूं वो, ध्यान से बताना, n स्क्वायर हमारा ग्रेटर देन n है कि नहीं, और n का मतलब क्या है, n पावर 1। यस सर। एंड यूजिंग सम कांस्टेंट e हुज वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, और इधर पे हमने क्या ले ली, 1, ये दोनों हमारे एसिम्प्टोटिकली इक्वल आ जाएंगे कि नहीं? Yes, sir. आ जाएंगे, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, थीटा ऑफ एफ एन यानी कि थीटा ऑफ एन स्क्वायर। यस सर। क्लियर है? कौन सा केस, केस थ्री। इसलिए जल्दी से लिख लीजिए, हो गया? Yes। चलिए एसिम्प्टोटिकली इक्वल वाला केस देख लिया हमने, fn को ग्रेटर वाला केस भी देख लिया हमने, अब देखते हैं हम ये थर्ड वन देखते हैं, देखिए ध्यान से,
कर रहा हूं रब सर क्वेश्चन नंबर थ्री T of n equals this compare किया तो हमने a की वैल्यू क्या आ गई 2 जल्दी बोलो b की वैल्यू 2 fn क्या आ गया हमारा 2 2 का मतलब क्या हमारा कांस्टेंट यस चलो देखो जानते हमने निकाला n टू द पावर log a बेस b यानी कि अब डायरेक्टली कर रहा हूं n टू द पावर log 2 बेस 2 यानी n पावर 1 यानी कि n बोलो यस सर अब ध्यान से सुनिएगा नाउ देखिए जानते fn क्या है हमारा fn क्या है हमारा big o of n टू द पावर log a बेस b है कि नहीं हमारा केस वन, फिर से बोलो क्या बोलता था, अगर fn हमारा छोटा है n टू द पावर log a बेस b से, and using some constant e, ये दोनों हमारे इक्वल हो जाते हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, थीटा ऑफ n टू द पावर log a बेस b, होगी कि नहीं सर। तो देखिए जानते हमारा fn इधर पे क्या है, कॉन्स्टेंट यानी कि वन, now n टू द, ये हमारा छोटा है कि नहीं, n टू द पावर log a बेस b क्या है हमारा, n पावर वन, बट यूजिंग सम कॉन्स्टेंट e हुज वैल्यू वी आर टेकिंग वन, ये दोनों एसिम्प्टोटली इक्वल आ जाएंगे कि नहीं अगर ये दोनों एसिम्प्टोटली इक्वल आ गए तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी थीटा ऑफ n टू द पावर log a बेस b यानी कि थीटा ऑफ n बोलो यस सर क्लियर सबको यस सर ये एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए सर पहले जल्दी से लिख लो इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं एक बार जल्दी से लिख लो जिसने ताकि जिसने नहीं लिखा है वो भी एक बार समझ लेना तो पहले जल्दी जल्दी सीरियसली फॉलो करते जाओ क्योंकि अभी जो मैं बता रहा हूँ वो अकॉर्डिंग टू बुक्स बता रहा हूँ मुझे नहीं पता आपको पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है मैं हद से ज्यादा फ्रॉड कर रहा हूँ लिखिया yes. चलिए देखिए रेदांसी नाउ हमने इस रेफरेंस रिलेशन को मास्टर थ्योरम की रेफरेंस रिलेशन के साथ कंपेयर किया तो देखो रेदांसी ए की वैल्यू 2 आ गई बी की वैल्यू 2 आ गई एफएन हमारा 2 है यानी कि कांस्टेंट है कोई डाउट इसमें जल्दी से बोलो नो सर अब मैंने क्या किया n टू द पावर log a बेस b के साथ कंपैरिजन किया तो n टू द पावर log 2 बेस 2 यानी n पावर 1 यानी कि n आ गया कोई डाउट अब देखो जानते fn हमारा कांस्टेंट है मतलब लेस देन है n से कह सकता हूं लेस देन है n टू द पावर log a बेस b से तो देखो ध्यान से अगर ये इससे लेस देन है यूजिंग सम कांस्टेंट e ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी थीटा ऑफ n टू द पावर log a बेस b मतलब जो ग्रेटर वो आंसर यस यस तो n टू द पावर log a बेस b देखो ध्यान से n ही तो आ रहा था क्लियर है यस यस सर लिख लो जल्दी से हो गया Yes. अब सुनिए दादी अब मैं आपको बता दे रहा हूँ हाँ तो ऐसे ही करोगी नो सर ये सब कुछ पाप है अब क्वेश्चन करना कैसे है वो एक मैं बता दे रहा हूँ बाकी आप करना या फिर बोलो कि पहले आप करोगे फिर मैं बताऊं बोलो और ये इधर पे लिख लेना ये क्या है केस वन की नहीं हेलो सर ये बताओ आप करोगे कि मैं करूं क्या सर क्या पता ही नहीं क्या बोल अरे ये नहीं आ रहे क्वेश्चन हाँ आ गए सर अरे तो जल्दी से फिर अटेम्प्ट करो चलिए एग्जैक्टली 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ क्योंकि इन क्वेश्चन के लिए 2 मिनट्स आर मोर देन सफिशिएंट हिंट दे दे रहा हूँ क्वेश्चन करने से पहले चल रहा है ना Yes, sir. Yes, sir. Okay, काम सब कुछ yes, sir. Now, notebook free की है? Yes, sir. तो notebook as well as pen की ink waste मत करना ये सब मैंने hint दे दी करिए इसके बाद में सुनो ध्यान से 2 मिनट का क्वेश्चन करने का टाइम दे रहा हूँ तीसरा सुनिए ध्यान से जो मेन टाइम दे रहा हूँ एक चीज सुनो ध्यान से नॉलेज चाहिए कि माइंड का यूज करना चाहते हो माइंड अब ध्यान से सुनना जो मैं चीज बोल रहा हूँ बहुत क्रूशियल चीज बोल रहा हूँ सुनिए ये जो 7 क्वेश्चन है इन क्वेश्चन को करने में टाइम नहीं लगेगा लेकिन जैसे कि मैंने आपसे बोला अब सुन लो ध्यान से जो क्वेश्चन कर रहे हैं रुक जाओ वो सारे सारे क्वांटिटी हैं उड़ा उड़ा के फेंक दोगे 10-10 सेकंड में मुझे पता है तो वो मैं नहीं जानना चाहता हूं
आपको जो सिंसियरली मैं अटेम्प्ट करने के लिए टाइम देने वाला हूँ वो किस चीज के लिए टाइम देने वाला हूँ, मैं आपसे परमानेंट क्या बोलता हूँ, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है और कुछ ऐसा टफ नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस है, आंखों का यूज करना है, बस आंखों का यूज करना है, बोलने का यूज करना है। सुनिए ना सर, मैंने आपसे क्या बोला था, मास्टर थ्योरम की 3 लिमिटेशन है। जी सर। 2 लिमिटेशन मैंने आपको बता दी, राइट हैंड साइड एक से ज्यादा डिस्टिंग फंक्शन कॉल नहीं होनी चाहिए और बी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, मतलब प्रॉब्लम शुड बी डिवाइडेड होनी चाहिए। यस सर। तीसरी लिमिटेशन है आपको मुझे वो बतानी है, समझ में आ रहा है, सबसे पहले इन क्वेश्चन के आंसर बताने हैं, फिर मास्टर थ्योरम की तीसरी जो लिमिटेशन है आपको वो मुझे बतानी है, क्लियर है? यस। ओवरऑल 5:08 हो रहा है, 5:15 तक का टाइम दे रहा हूं और जूम पे आंसर भेजना अपने, जूम पे आंसर एक चीज बता दे रहा हूं, इस तरीके से मत देना कि एक ही क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, इस टाइप से देना 4 this 5 this एंड सो ऑन, और ये मैं बाय डिफॉल्ट मान के चल रहा हूं जो भी आंसर आप दोगे वो किसमें दोगे, थीटा में दोगे कि नहीं? ऐसे देना जैसे कि 4 का आंसर सपोज कुछ भी है, तो आपने 4 का आंसर लिखा सपोज एक्स वाई एन एन स्क्वायर कुछ भी, क्लियर है ना? Yes, sir. मैं उन्हीं के आंसर चेक करूंगा जिनकी ये 6 के 6 क्वेश्चन के आंसर आई होंगी, समझ में आ रहा है? Yes, sir. और जो मैंने ये तीनों केस एक्सप्लेन करते समय बोला है वो क्रिस्टल क्लियर है? Yes, sir. अगर वो क्रिस्टल क्लियर है तो आप पाप नहीं करोगे, देखते हैं करते हैं, नहीं करते हो। चलो 5:15 तक का टाइम दे रहा हूं मैं, जूम पे ही आंसर चेक करूंगा, करिए।
अरे माइक तो बंद कर लो, ये किसका माइक ओपन है? हो रहे हैं क्वेश्चंस? हेलो, यस सर, करो जल्दी जल्दी करो क्वेश्चन के बाद थर्ड लिमिटेशन पे फोकस करिएगा कि थर्ड लिमिटेशन क्या है। तनिषा पाप, माधवी सारे क्वेश्चन ही नहीं किए, नवीन पाप, एंड पाप मींस एटलीस्ट वन इज पाप। चलो हो गए, करूं हेलो करूं अरे बता तो दो। निशांत पाप, वेरी वेरी गुड नवीन, वेरी वेरी गुड। रिश्ता सारे किए ही नहीं, 10 है क्वेश्चंस। ये क्या कर रहे हो रिश्ता? देखो आपकी नंबरिंग में इश्यू कर दिया क्या आपने? यस सर। नहीं जानवी पाप है,
करूं अब? नहीं, रित का पाप है वो, नहीं सोनिया पाप है वो, कैसी बात कर रहे हो निशान? 2.8 और 3 क्या इक्वल होते हैं निशांत? यस सर। 2.8 और 3 इक्वल होते हैं क्या? नो सर। नहीं होते हैं तो कैसा फिर क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन पूछ रहे हो? खुद को पता है तब भी पूछ रहे हो। चलो ठीक है, अब करना शुरू करूं तो काफी टाइम हो गया। यस सर। चलो देखो ध्यान से, अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, इसको मैं रब कर रहा हूँ। ऑब्वियसली बात है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन किए थे 1 2 3 ऐसे तो नहीं करना है, तो करना कैसे है वो देखते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, एक एक करके क्वेश्चन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, सुनिए ध्यान से। अब मैंने क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। नाउ हर रेकन्सिलिएशन को हम मास्टर थ्योरम से अगर सॉल्व करें तो मास्टर थ्योरम की रेकन्सिलिएशन के साथ कंपेयर करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो। चलिए देखिए रतन से, मास्टर थ्योरम की रेकन्सिलिएशन के साथ अगर मैंने इसको कंपेयर किया तो देखिए रतन से, ए की वैल्यू क्या है जल्दी बोलो? 1 1। बी की वैल्यू 2 2 2। एन परमानेंट हम निकालते हैं, n टू द पावर log a बेस b, तो देखिए रतन से, n टू द पावर log 1 बेस 2, log 1 क्या होता है हमारा 0, तो n पावर 0 क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। 1 यानी कांस्टेंट कह सकता हूँ, कांस्टेंट। और इसका कंपैरिजन करेंगे हम n के साथ, कांस्टेंट और फंक्शन, कौन है ग्रेटर? फंक्शन। थीटा ऑफ n, खत्म, क्लियर है? यस सर। सिमिलरली इधर पे देखिए, n टू द पावर log a बेस b, n टू द पावर log 1 बेस 2, log 1 इज 0 यानी n पावर 0 यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट और नॉट? यस सर। यस यानी क्या, कांस्टेंट log n यानी कि log n आंसर? यस सर। कोई डाउट? नो सर। ध्यान से, n to the power log a base b, n to the power log 9 base 3, log 9 base 3 क्या होता है? 2। यानी कि यहां से आ गया n square, n square और n, कौन है greater? n square। कोई doubt? no sir। clear सबको? yes sir। चलिए देखिए ध्यान से, question number 7, n to the power log a base b, n to the power log 7 base 2, log 7 base 2 क्या होता है? 2.81। yes sir। yes sir। 2.81 और 2, कौन है greater? 2.81। एंड क्या 2.81 को मैं क्या 3 लिख सकता हूँ? यस सर। यस सर। क्या बात कर रहे हो, क्यों लिख सकता हूँ? सुनो ध्यान से, थीटा में, अरे एक सेकंड, ये 2 कांस्टेंट है कि नहीं? यस सर। अब क्या ये 2 कांस्टेंट है? नो सर। नहीं है, तो जब n पावर 2.81 है तो इसको आप n पावर 3 कैसे लिख सकते हो? क्लियर है ना? यस सर। चलिए देखिए ध्यान से, नेक्स्ट वन, n टू द पावर log a बेस b, n टू द पावर log 4 बेस 2, log 4 बेस 2 इज 2। यस सर। n स्क्वायर और n, कौन है ग्रेटर? n स्क्वायर आंसर। क्लियर है? यस सर। चलिए देखिए ध्यान से, n टू द पावर log a बेस b, log 2 बेस 2 यानी कि 1, यानी n आया कि नहीं? हेलो, n पावर log a बेस b, n आया कि नहीं? n टू द पावर log 2 बेस 2 यस सर। log 2 द सेम बेस 1 यानी n, n और n और n log n, कौन है ग्रेटर? n log n, log n क्या आएगा? n log n। पाप, दिस इज रॉन्ग, गलत है ये। अब ये समझो, ये गलत क्यों है, ये पाप क्यों है? पहले तो मुझे ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 तक सबके आंसर यही आ रहे थे जो मैंने लिखे हैं? जवाब आप मुझे आंसर भेज रहे थे तो मैं आपके आंसर चेक ही नहीं कर रहा था, केवल और केवल मैं 10th क्वेश्चन का आपका आंसर चेक कर रहा था। क्लियर है? यस। नाउ अब सुनिए ध्यान से, 10th वाला हमारा पाप क्यों, मुझे ये बताओ जरा। एक क्वेश्चन को करने की 2 अप्रोच है, ठीक, एक क्वेश्चन को करने की 2 अप्रोच है, मुझे ये बताओ वो दोनों अप्रोच अलग अलग आंसर देंगे कि नहीं? नो सर। नो सर। कभी भी नहीं।
अरे कभी भी नहीं देंगी, कहने का मतलब अगर दोनों अप्रोच अलग अलग आंसर दे रही है इसका मतलब क्या, एटलीस्ट वन इज पाप, हो सकता है दोनों ही पाप हो। यस सर। चलो देखो रिजल्ट, तो अब देखो रिजल्ट करना कैसे था, इधर पे हमने गलती क्या की। देखिए दंसे यही सेम रेकंसिलिएशन आपकी नोटबुक में है जब हमने सॉल्व किया था इस रेकंसिलिएशन को यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। यस सर। अब ध्यान से देखिए उधर पे आंसर मेरे ख्याल में आपका n log n का स्क्वायर आ रहा था। यस सर। यस सर। कहने का मतलब एक क्वेश्चन के दो अलग अलग आंसर कैसे आ सकते हैं। अरे क्या कर रहे हो, अगर आप इसका आंसर n log n दे रहे हो तो मुझे ध्यान से बताओ जरा, आपने आपने पहले जब किया था सब्स्टिट्यूशन से तो आपने बताया इसका आंसर n log n का स्क्वायर है, अब आप बोल रहे हो n log n है, तो क्या ऐसा हो सकता है ये दो अप्रोच दोनों अलग अलग आंसर दें? नो सर। तो अब ध्यान से सुनिए, अभी कह सकता हूँ आपके माइंड में डिलेमा आ रहा होगा कि दोनों में से करेक्ट कौन सा है। हेलो सब्स्टिट्यूशन वाला। हाँ वो तो मैंने बोल दिया ये वाला पाप है तो ऑब्वियस सी बात है वो करेक्ट हो जाएगा। तो सुनिए ध्यान से, करेक्ट है हमारा सब्स्टिट्यूशन वाला, मतलब n log n का होल स्क्वायर। नाउ अब क्यों करेक्ट है कोई ये बताएगा मुझे, मास्टर थ्योरम से हमारा ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। यस सर। मास्टर थ्योरम से हमारा यही आ रहा है कि नहीं? यस सर। पाप, गलत, मास्टर थ्योरम से ये हमारा नहीं आ रहा है। अब गौर करना जरा, जब मैं उतनी देर से रेकंसिलिएशन कर रहा था मैंने आपको हिंट भी दी थी कि जो मैं बोल रहा हूँ वो प्रीशियस है ना कि वो जो मैं लिख रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ अगर वो आपको क्लियर है तो एक क्वेश्चन में इशू ही नहीं आएगा। चलो अब सुनो ध्यान से, सुनिए ना ध्यान से सुनिए, एक क्वेश्चन से आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। पहले तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने कर ही दिया था, एक और करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 करता हूँ मैं डिटेल में। यही है क्वेश्चन? यस सर। नाउ n टू द पावर log बेस भी क्या हो जाएगा हमारा n पावर 1 यानी कि n, क्लियर है? तो अब ध्यान से सुनिएगा, fn हमारा ग्रेटर देन n टू द पावर log बेस भी है कि नहीं? नो सर। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये 8 है, 8 की वैल्यू 8 है, बोल भी नहीं रहा मुझसे, n टू द पावर log बेस भी n क्यूब आ जाएगा ना। Yes, कह सकता हूँ, देखिए केस वन है कि नहीं, एन टू द पावर log बेस भी हमारा ग्रेटर है कि नहीं? Yes, sir. देखो yes, sir. चलो देखो रिदम सिंह, देखिए मैंने क्या किया, केस वन क्या था हमारा, ध्यान से सुनना, अगर एफ एन हमारा छोटा है एन टू द पावर log बेस भी से, इसका मतलब क्या है, log एन टू द पावर log बेस भी बड़ा है and using some constant e whose value is greater than 0, ये दोनों asymptotically equal आ जाते हैं, तो time complexity क्या होगी, जो बड़ा वो answer, मतलब n to the power log a base b। Hello? Yes sir। अब पहले मुझे ये बताइए जरा, मैंने जितना board पे अभी तक लिखा है master theorem में, वो सब कुछ clear है? Yes sir। Yes sir। आप कह रहे हो clear है, मुझे ये बताओ जरा, मुझे ये बताओ जब आप क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे हो उस आंसर निकालने के लिए ये ई का कोई भी सिग्निफिकेंस? नो सर। अरे सुनो ध्यान से, जब आप आंसर निकाल रहे हो तो उस ई का कोई भी मतलब रह जा रहा है क्या? नो सर। नो सर, इसका कोई भी मतलब नहीं रह रहा है, इसका मतलब क्या ई लेकिन हमारा कुछ कहना तो चाहता होगा ना? यस सर। नाउ वो ई क्या कहना चाहता है वो ध्यान से सुनिए, सुनिए ध्यान से, इस केस से आपको बताता हूँ, अगर मैं एफ एन बोलूं, देखो ध्यान से, अगर fn बोलूं तो यहां पे हमारा fn क्या है, n स्क्वायर है कि नहीं, n स्क्वायर हमारा लेस देन n टू द पावर log a बेस भी यानी n क्यूब है कि नहीं, बट यूजिंग सम कांस्टेंट e हुज वैल्यू वी आर टेकिंग 1, ये दोनों हमारे एसिम्प्टोटली इक्वल आ जाएंगे कि नहीं? यस यस सर। कह सकता हूं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, जो ग्रेटर वो आंसर यानी कि n टू द पावर log a बेस भी यानी कि n क्यूब। सर क्लियर है? यस सर। कहने का मतलब है, सुनिए ध्यान से, अब ये केस वन केस टू केस थ्री दिखाते क्या थे, पहले जो कुछ भी बोर्ड पे है वो लिख लो, फिर मैं आता हूँ जो मैंने पहले मिनिमाइज कर रखा है, जो कुछ भी लिखना है बोर्ड से वो लिख लो पहले। जैसे ही लिख लो बता देना मुझे। हम्म।
गया? यस सर। चलो सुनी जाते। अब मुझे ये बताओ जरा, जब मैं आपको ये रेकरेंस रिलेशन लिख रहा था, मुझे ये बताओ इस e की वैल्यू में कुछ बोलने के लिए यूज करता था कि अगर e को मैं हटा भी देता हूं तो आंसर पे कोई इंपैक्ट आएगा क्या? तो सर, अरे कहने का मतलब है जो ये हमारा e है, अगर मैं इसको क्वेश्चन से हटा भी दूं, जरा केसेस से हटा भी दूं, तो क्या आंसर पे कोई इंपैक्ट आएगा? बोलो। नो सर। का मतलब क्या है कि ई हमारा लेकिन कुछ ना कुछ बताने के लिए यूज किया गया होगा कि नहीं? यस सर। तो वो किसके लिए यूज किया गया है, मैं वो देखना है। तो देखो रेजांते, करना कैसे है, केस वन क्या बताता था, आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे बोला, जब ये आपने ये एन स्क्वायर एन क्यूब वाला देखा, 80n/2 वाला, यस सर, कहने का मतलब है fn मैंने क्या बोला, लेस देन है n टू द पावर log a बेस b से, एंड यूजिंग सम कांस्टेंट e, ये दोनों इक्वल हो जा रहे हैं। मुझे ये बताओ जरा, ये 2 कांस्टेंट है कि नहीं? यस सर। अब ये 2 कांस्टेंट है क्या? नो सर। तो कह सकता हूं ये पूरा है क्या हमारा? कांस्टेंट क्या? फंक्शन है क्या? मैं कह सकता हूं, सुनिए ना, से क्या मैं कह सकता हूं, देखिए ध्यान से, मैंने आपसे क्या बोला कि e क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये ध्यान से देखो, ये 2 कांस्टेंट था, लेकिन अगर ये 2 पावर में जाएगा तो ये हमारा फंक्शन की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। e का मतलब है कांस्टेंट अगर पावर में चला जाता है वेरिएबल की, तो वो फंक्शन बन जाता है कि नहीं? यस यस सर। यस सर। कैसा फंक्शन, पॉलीनोमियल फंक्शन बनेगा कि नहीं? यस सर। यस सर। है यस सर। यस सर। सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा, तो केस वन हमारा बता क्या रहा था कि fn हमारा क्या है, छोटा है n टू द पावर log a बेस b से, लेकिन कैसे छोटा है? पॉलीनोमियल टाइम, ये माइनस पावर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। कहने का मतलब है केस वन क्या मास्टर थ्योरम का, कि अगर n टू द पावर log a बेस b क्या हो, एसिम्प्टोटिकली ग्रेटर हो fn से, कैसे? पॉलीनोमियल टाइम। अब पॉलीनोमियल आपको क्या बताया था, पॉलीनोमियल हमारा क्या होता है, कांस्टेंट पावर फंक्शन। यस सर। क्लियर है? यस सर। तो अब ध्यान से सुनिएगा, कह सकता हूं केस वन मास्टर थ्योरम का क्या बताता है कि n टू द पावर log a बेस b क्या है, fn से पॉलीनोमियल टाइम ग्रेटर है कि नहीं? यस सर। सिमिलरली केस टू क्या बताता है, दोनों ही हमारे क्या है, एसिम्प्टोटली इक्वल है कि नहीं? यस सर। नाउ केस थ्री क्या बताता है कि fn क्या है, n टू द पावर log a बेस b से ग्रेटर है कि नहीं? हेलो। यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। नाउ लिखिए, नोट लिखिए पहले की करके। सर ये बैकग्राउंड में कोई नॉइस आ रही है सर। ये बेटा अब क्या करूं, आप लोग एक बार आप लोग देखो किसकी किसका माइक ऑन रह गया है। चलो चली गई, देखो ध्यान से। मैंने क्या बोला, पहले ये तीनों स्टेटमेंट क्लियर हैं? यस सर। यस सर। लिखिए लिखिए, हेडिंग डाली केस वन। केस वन देखिए, हियर हियर n टू द पावर log a बेस b सर क्या, हियर n टू द पावर log a बेस b, हियर n टू द पावर log a बेस b इज पॉलीनोमियल टाइम ग्रेटर, हियर n टू द पावर log a बेस b इज पॉलीनोमियल टाइम ग्रेटर कंपेयरिंग विद fn, here n to the power log a base b is polynomial time greater comparing with fn,
Now next statement. Here, both fn and n to the power log base b. Here both n to the power log base b and fn. Here both n to the power log base b and fn are asymptotically equal. Are asymptotically equal. क्या लिखा है यार बोथ एफ एन 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 टू द पावर लॉग ए बेस बी आर एसिम्प्टोटली इक्वल यही लिखा है यस सर नो लास्ट वन केस 3 लिखिए हियर एन टू द पावर लॉग ए बेस बी हियर एन टू द पावर लॉग ए बेस बी हियर एन टू द पावर लॉग ए बेस बी हां क्या होगा is polynomial times smaller than polynomial time kya hoga smaller than fn here n to the power log a base b is polynomial time sparing is polynomial time small here n to the power log a base b is polynomial time smaller than fn is smaller than fn ना अब ध्यान सुनिएगा हमने तीनों ही केस में क्या किया n to the power log a base b से fn को कंपेयर किया कि नहीं बोलो यस सर अगर n to the power log a base b तो वो ग्रेटर वो आंसर अगर n वो कहने का मतलब अगर n to the power log a base b अगर fn से ग्रेटर तो वो आंसर अगर लेस देन तो fn आंसर अगर दोनों इक्वल तो fn log n यस सर कोई डाउट नो अब लिखिए रेदान से मुझे एक डाउट आ गया सही ढंग से तो पहला तो डाउट मेरा ये है कि वो जो एप्सिलॉन है वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है दूसरा डाउट मेरा ये है कि अभी आप मुझे बार वो सुनिए आप क्या बोल रहे थे तीनों केस में एक केस में क्या एन टू द पावर लॉग ए बेस भी बड़ा है एक केस में एन टू द पावर लॉग ए बेस भी छोटा है तीसरे केस में दोनों ही एसिम्प्टोटली इक्वल हैं बोलो यस सर तो अब ध्यान से सुनिएगा बोलो यस सर बीच में कोई बोला अब शांत हो गया सुनिए ध्यान से हमने क्या किया कि तीनों ही केस में n to the power log a base b की वैल्यू निकाली और fn के साथ कंपेयर की अगर fn ग्रेटर तो वो आंसर n to the power log a base b ग्रेटर तो वो आंसर अगर दोनों इक्वल तो fn log n यस सर नाउ अब सुनिए ध्यान से कहने का मतलब जब हम क्वेश्चन से आंसर करते हैं तो केस 3 में हमारी दो-दो कंडीशन है लेकिन हम सेकंड कंडीशन में कभी भी यूज कर रहे हैं क्या नो सर और आंसर तब भी हमेशा करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो यस सर आंसर वैल्यू यूज नहीं की लेकिन आंसर हमेशा करेक्ट आ रहा है इसका मतलब क्या है बोलो सर ई का कुछ सिग्निफिकेंस होगा सर चलो सुनो ध्यान से अब दो दो क्वेश्चन है मेरे इनका आंसर जल्दी से बताओ मुझे पहले मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर देता हूं मेरा क्वेश्चन क्या है सबसे पहले केस सी में सेकंड कंडीशन क्या बताना चाहती थी दूसरा उस ई का सिग्निफिकेंस क्या है कहने का मतलब वो ई में रखूं ना रखूं आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है अब सुनिए ध्यान से ई का और वो क्या ई का और थर्ड केस की जो सेकंड कंडीशन है उनका सिग्निफिकेंस क्या है वो बताना क्या चाहते हैं इतना मैंने बता दिया बहुत ऑब्वियसली चीज बताना चाहते हैं तो वो क्या बताना चाहते हैं ये बताइए जल्दी से बोलो हेलो सर हम सर फंक्शन को कंपेयर कर रहे हैं n की पावर लॉग बेस वी ए जो भी है माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन उससे तो सर उससे हम कंपेयर कर रहे हैं सर n की पावर लॉग बी ए का हम ये निकाल लें कितने टाइम्स वो उससे ग्रेटर है n की पावर एप्सिलॉन से डिवाइड ए के अरे बेटा शर्मा ये लोगों सुनो ध्यान से मेरे ख्याल में थर्ड या सेकंड क्लास से शुरू हो गया था मैंने क्या बोला था सीए अगर मैं नॉर्मल किसी स्टूडेंट की बात करूं उससे मैं पूछूं कि जीपी सीरीज कितने टाइप की होती है तो क्या बोलेगा सर उस टाइम तो दो बोलते थे अरे तो दो ही बोलोगे सुनो ध्यान से सुनिए ध्यान से क्या क्या फिर से बोलिए मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था सर आपने बोला था हां सुनिए ध्यान से
अगर मैंने आपसे बोला कि किसी नॉन सीएस के स्टूडेंट से पूछा कि डीपी जीपी सीरीज कितने टाइप की होती है तो क्या बोलोगे? नॉन सीएस का स्टूडेंट क्या बोलेगा? दो। अब मुझे सुनो ध्यान से, मैंने आपसे बोला कि जीपी सीरीज कितने टाइप की होती है, आप क्या बोलोगे? सर एक ही टाइप की होती है। एक ही टाइप की होती है, वेरी गुड। कौन सी जीपी सीरीज होती है हमारी? डिक्रीजिंग जीपी सीरीज। अगर डिक्रीजिंग जीपी सीरीज है तो है ही है, और अगर डिक्रीजिंग जीपी सीरीज नहीं है तो क्या दिक्कत करो, दूसरी साइड से देखो, आंखों का यूज करो। यस सर। अगर डिक्रीजिंग जीपी सीरीज है तब तो डिक्रीजिंग है ही है, और अगर इंक्रीजिंग है तो लास्ट से देखो, आंखें तो आप ही की हैं। हां सर। तो अब ध्यान से सुनिएगा, सेकंड कंडीशन केस 3 में क्या कह रही है कि डिक्रीजिंग जीपी सीरीज फर्स्ट टर्म आंसर। कैसे? ध्यान से देखिए, सेकंड कंडीशन केस 3 की क्या है कि अगर fn क्या है हमारा ग्रेटर देन है n टू द पावर log a बेस b से। हेलो। यस सर। यस सर। अरे ध्यान से सुनिएगा कि सेकंड कंडीशन क्या बता रही है कि जो हमारा डिक्रीजिंग जीपी सीरीज है वही वाला सीन बता रही है क्या, कि fn हमारा ग्रेटर है कि नहीं n टू द पावर log a बेस b से। यस सर। तो कहने को मतलब सबसे पहले तो ये समझिए, रिकर्शन यूज हो रहा है, मतलब रेकरेंस रिलेशन हम कर रहे हैं, मतलब रिकर्शन यूज हो रहा है। यस सर। यस सर। नाउ रिकर्शन यूज हो रहा है तो मैंने क्या बोला, रिकर्शन का अगर आप यूज करोगे तो दो ही तीन ही पॉसिबिलिटी बनती है क्या, या तो जीपी सीरीज बनेगी या नहीं बनेगी। अगर बनेगी तो इधर इंक्रीजिंग बनेगी और बोलो डिक्रीजिंग बनेगी। यस सर। अरे ये केस था क्या हमारा fn is omega of n to the power log a base b था कि नहीं, बोलो। yes, sir. Okay. Yes, sir. इसमें चेंज क्या था कि fn क्या है n to the power log, क्या लिखा मैं खुद की राइटिंग में पा रहा, देखिए मैं, मैंने आपसे क्या बोला कि fn क्या हमारा ग्रेटर है किससे, n to the power log a base b से है कि नहीं। yes, बोलो। Yes, sir. FN हमारा greater, इसका मतलब क्या है? Decreasing GP series बनेगी, मतलब top level answer? Yes, sir. अरे तो खत्म, कहने का मतलब second condition case theory क्या बता रही है? Hello? Hello? Yes, sir. Yes, sir. मैंने आपसे पूछा तो second condition क्या बता रही है? अरे इसका मतलब सुनो, जैसे डिक्रीजिंग जीपी सीरीज ही बता रही है। यस सर। अरे देखो जैसे जीपी सीरीज डिक्रीज करोगे तो टॉप लेवल ही मैक्सिमम आएगी। सर लिखिए, जीपी सीरीज बनना जरूरी है क्या सर? वो सब तो अगर रिकर्शन का यूज हो रहा है डिवाइड के साथ तो जीपी सीरीज बनेगी बनेगी। मास्टर थ्योरम की रेफरेंस रिलेशन अगर उस फॉर्म की रेफरेंस रिलेशन है तो जीपी सीरीज बनेगी ही बनेगी, लेकिन जीपी सीरीज का बनना जरूरी नहीं है। सर जीपी सीरीज नहीं होगी फिर? नॉर्मल सीरीज होगी। यस सर। नाउ लिखिए, क्या लिखवाया था अभी मैंने, केस 3 लिखवाया था ना? यस सर। सर नाउ क्या बोला था, केस 3 बताइए एक बार फिर से। मैंने क्या बोला था, fn इज ओमेगा ऑफ n to the power log a base b plus epsilon, where epsilon is greater than zero. Yes, yes sir. चलो देखो रहता हूँ सी, तो जल्दी से बताइए रहा, केस 1 में आपने क्या लिखा था? Here fn value is polynomial time smaller than n to the power log a base b. Yes sir. केस 2 में आपने क्या लिखा था? Here both n to the power log a base b and fn are asymptotically equal. Yes sir. केस 3 में आपने क्या लिखा था? Here n to the power क्या लिखा था? Here n to the power log a base b is क्या? Polynomial time smaller than fn. अरे greater. हेलो। यस। पॉलीनोमियल टाइम ग्रेटर विद fn, तो अब ध्यान से सुनिएगा, अब ये तो हमारी एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है, एंड a f n by b शुड बी लेस देन c f n, वेयर c इज अ कांस्टेंट हुज वैल्यू इज लेस देन 1। तो ये कंडीशन yes. बताती क्या है, लिखिए इन द अबव, लिखिए सेकंड कंडीशन in the case 3 is that, second condition in the case 3 is that
टॉप लेवल ऑफ एफ एन वैल्यू इज दैट टॉप लेवल ऑफ एफ एन वैल्यू इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन लोअर लेवल एफ एन वैल्यू इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन लोअर लेवल एफ एन वैल्यू इज लोअर लेवल एफ एन वैल्यू. अब ध्यान से देखो आपको आपको डिक्रीजिंग जीपी सीरीज वो नहीं दिखाई दे रही है, दिख रही है ना? नहीं दिख रही है. देखो जरा ध्यान से सुनिए, ये रब कर रहा हूँ. आइए जरा केस थ्री देखिए ध्यान से. इसकी हमारा ये है, बोलो एफ एन मैंने क्या बोला ग्रेटर है किससे एन टू द पावर लॉग ए बेस बी से. अब अगर एफ एन हमारा ग्रेटर है इसका मतलब क्या ये वैल्यू हमारी ग्रेटर है? कहने का मतलब अगर ये वैल्यू ग्रेटर है, ये वैल्यू ग्रेटर और कैसी ग्रेटर है देखो ध्यान से. ये चलो वो तो ई का बाद में बताऊंगा. ये वैल्यू ग्रेटर है इसका मतलब क्या है, और यही कॉस्ट हमारी टॉप लेवल की कॉस्ट होती है. यस सर. देखिए डिवाइड एंड कॉन्कर का एप्लीकेशन है, रिकर्शन यूज हो रहा है, और ये हमारी टॉप लेवल की कॉस्ट. तो कह सकता हूँ जैसे जैसे आप लेवल में आगे बढ़ोगे कॉस्ट हमारी डिक्रीज करने लगेगी कि नहीं? समझ में आ रहा है? यस सर. पहले तो ये लिख लिया आपने. सेकंड कंडीशन इन द सेकंड कंडीशन इन केस थ्री सेज दैट इन द टॉप लेवल ऑफ एफ एन वैल्यू इन द टॉप लेवल ऑफ एफ एन वैल्यू इज स्ट्रिक्टली सो दैट इन द रिकर्सिवली टॉप लेवल ऑफ एफ एन वैल्यू इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन लोअर लेवल एफ एन वैल्यू इज स्ट्रिक्टली is strictly lower level fn value is strictly lower level fn value. now next suniye ye bhi abhi ke liye rub kar raha hu. dekhiye dhyan se ab aate hain question pe. jo question aapne pop kiya wo kya tha 2t n by 2 plus n tha 2t n by 2 plus kya tha n log n log n. chaliye suniye dhyan se. agar main isko ek bar iterate karta hu agar main ek bar iterate karta hu ya fir directly suniye n to the power log a base b क्या होगा n to the power log 2 base 2 yes यानी n power 1 यानी कि n yes अब ध्यान से सुनिएगा ये हमारा n आ रहा है ये हमारा n log n आ रहा है. ध्यान से सुनिएगा तीनों की तीनों डेफिनेशन लिख ली है ना सबने? yes sir yes sir तो केसेस देखिए ध्यान से ये n to the power log a base b क्या आ रहा है हमारा n ठीक और ये क्या हमारा n log n है लिख ही रहा हूं. इस क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं हम. ए क्या आ गया हमारा 2 बी क्या आ गया हमारा 2 एफ एन क्या आ गया हमारा एन लॉग एन. नाउ मास्टर थ्योरम के लिए हमने क्या किया एन टू द पावर लॉग ए बेस बी. नाउ एन टू द पावर लॉग एन टू द पावर लॉग ए बेस बी एन टू द पावर लॉग 2 बेस 2 क्या करना है एन टू द पावर लॉग 2 बेस 2 यानी एन पावर 1 लॉग 2 बेस 2 क्या होगा 1. हेलो Yes, sir. Now, अब ध्यान से सुनिए मैंने क्या किया इसको रेफरेंस रिलेशन के साथ कंपेयर किया मास्टर थ्योरम की ए बी एफ एन की वैल्यू आ गई फिर एन टू द पावर लॉग ए बेस बी निकाला एन टू द पावर लॉग 2 बेस 2 एन टू द पावर लॉग 2 बेस 2 क्या आ जाएगा हमारा लॉग 2 द सेम बेस 1 यानी एन आ जाएगा कि नहीं? यस सर. अब ध्यान से सुनिएगा मैंने ये हमारा एन आ गया इसका मतलब क्या है कि वैल्यू हमारी डिक्रीज कर गई. यस सर. ध्यान से सुनिए ध्यान से इधर पे अगर मैं मास्टर थ्योरम की बात करूं अब देखो जरा ध्यान से ये हमारा ये आ गया n टू द पावर log a बेस b यानी n आ गया ठीक. मुझे ये बताओ जरा अगर मैं आंसर की बात करूं इसका कंपैरिजन किया मैंने fn के साथ इसका कंपैरिजन किसके साथ किया मैंने fn के साथ तो मुझे ये बताइए जरा कौन ग्रेटर है fn ग्रेटर है कि n टू द पावर log a बेस b? सर fn fn. अरे मैं नहीं लिखा ब्रो क्या कर रहे हो सर fn तो ग्रेटर. अरे दम सिंह क्या लिख रहे हो ये चलो देखो ध्यान से सुनिए ध्यान से यार क्या कर रहे हो कुछ चार ही पांच लोग केवल रिस्पांस दे रहे हैं बाकी लोग रिस्पांस ही नहीं दे रहे ये समझ में आ रहा है? यस सर. यस फिर से सुनिए ध्यान से इस क्वेश्चन को फिर से मैं क्रैक कर रहा हूँ मीनिंगफुली समझिएगा. सुनिए ध्यान से पहले ध्यान से देखिए मास्टर थ्योरम भूल जाइए अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ा है जो मैं पूछता जाऊं उसका आंसर देते जाना वो क्लियर है कि नहीं. अकॉर्डिंग टू बुक्स मास्टर थ्योरम के तीनों केसेस क्लियर हैं? Yes, sir. Now, अब ध्यान से सुनिए अकॉर्डिंग हेलो देखो जब मैं पूछ रहा हूँ तो बोलते नहीं. अकॉर्डिंग टू बुक्स मास्टर थ्योरम के तीनों केसेस क्लियर हैं? यस सर.
मास्टर थ्योरम के मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए इसको छोड़ के वो सारे क्लियर हैं। यस सर। नाउ मास्टर थ्योरम की तीन लिमिटेशन है, तीनों लिमिटेशन क्लियर हैं? नो सर। तीसरी कौन सी? तीसरी क्लियर नहीं है। चलो अब शर्माइए उसके लिए, तीसरी मैंने बता भी दी लेकिन अभी आपको रियलाइज नहीं हुई। देखिए ना सी अभी बताऊंगा तीसरी, तब तक शर्म के लिए तैयार हो जाओ नहीं तो मन से सोचो तीसरी लिमिटेशन क्या है। दो लिमिटेशन क्लियर है? यस सर। नाउ अब सुनिए ना सी, थोड़ा सा बैक में जाता हूँ। मैंने आपको तीन स्टेटमेंट लिखवाए। केस वन क्या बता रहा है कि FN, हम हर केस में क्या कर रहे हैं, FN की वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं n टू द पावर log e बेस b के साथ। यस सर। नाउ सुनिए ना से, अगर दोनों इक्वल तो वो इनटू log n आंसर, नहीं तो जो ग्रेटर वो आंसर। यस सर। अब ध्यान से सुनिएगा, डिवाइड एंड कॉन्क्योर का एप्लीकेशन है रेकंसिलिएशन में मास्टर थ्योरम में। इसका मतलब क्या है कि जीपी या तो जीपी सीरीज बनेगी या नहीं बनेगी। Yes, sir. अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे बोला केस वन ऑफ मास्टर थ्योरम, मतलब एन टू द पावर लॉग ए बेस भी ग्रेटर है। क्या बताया मैंने केस वन में, क्या है एन टू द पावर लॉग ए बेस भी ग्रेटर है एफएन से। कैसे ग्रेटर है? पॉलीनोमियल टाइम ग्रेटर है। Yes, sir. क्या दिखवाया कि fn हमारा पॉलीनोमियल टाइम ग्रेटर है। यस सर। केस टू में क्या लिखवाया, दोनों एसिम्प्टोटिकली इक्वल हैं। यस सर। अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिए, मैं अब इस क्वेश्चन को पहले करेक्ट करता हूँ। tn क्या है, 2tn by 2 plus n log n, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 2, fn हमारा n log n आ गया। यस सर। यस सर। अब सुनिए जल्दी, मैंने क्या किया, उठा के इनको कंपेयर किया। तो देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया, n टू द पावर log e बेस भी निकाला। देखो n टू द पावर log e बेस भी, n टू द पावर log 2 बेस 2, यानी कि n टू द पावर 1। मतलब केस 3। ये पाप है। बोल रहा था, क्या बोल रहे थे आप? सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अरे सेकंड कंडीशन सुनो ध्यान से, पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से, सुनिए। fn should always be polynomial। नहीं माधवी, ये गलत है। यस सर। अभी अभी आएगा, अभी आएगा, तब शर्माएगी। अब सुनो ध्यान से, जब मैं तीनों के, जब मैंने तीन चार क्वेश्चन किए थे आपसे, बोला था जो मैं बोल रहा हूं वो क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं, आपने उन चीजों पे फोकस ही नहीं किया जो मैंने बोला था। नाउ सुनिए ध्यान से, सुनिए इधर पे, अगर मैंने n टू द पावर log a बेस b का कंपैरिजन इधर किया fn के साथ, तो fn क्या है हमारा n log n, n टू द पावर log a बेस b क्या है, n है कि नहीं? यस सर। सुनिए, fn हमारा ग्रेटर है, fn हमारा ग्रेटर है, लेकिन पॉलीनोमियल टाइम ग्रेटर है कि लॉगरिथमिक टाइम ग्रेटर है? लॉगरिथमिक टाइम ग्रेटर है, मतलब इस रेकंसिलिएशन में हमारी मास्टर थ्योरम लग ही नहीं सकती। तो पहले केवल इस क्वेश्चन की रीजनिंग लिखिए, इसके बाद में पूरी पूरी मास्टर थ्योरम खोलता हूँ, उसका पोस्टमार्टम करता हूँ। क्लियर है? यस सर। पहले तो इतना लिखिए, इतना पहले इतना लिखिए, चलिए लिखिए, हियर हियर fn इज ग्रेटर देन n टू द पावर log a बेस b, हियर fn इज एसिम्प्टोटिकली ग्रेटर देन n टू द पावर log a बेस b, हियर fn इज एसिम्प्टोटिकली ग्रेटर देन, एसिम्प्टोटिकली ग्रेटर देन n टू द पावर log a बेस b, सो वी आर थिंकिंग दैट, so we are thinking that case 3 of master theorem, so we are thinking that case 3 of master sir, theorem, hello sir, sir uh-huh. connection cut ho gaya tha sir, ye wali statement dobara se repeat ho jayegi, suniye suniye dhyan se, kya bola maine, here fn is greater than n to the power log a base b, so we are thinking that case 3 of master theorem, so we are thinking that case 3 of master theorem will be applicable, will be applicable, will be applicable,
but master theorem will fail here. But master theorem will fail here. But master theorem will fail here. Since fn is logarithmic time greater than, since fn is logarithmic time greater than n to the power log a base b, but not polynomial time. Since fn is logarithmic time greater than n to the power log a base b, but not polynomial time, but not polynomial time. लिखा? Yes, sir. अब एक बार कनेक्ट करके देखो, अभी भी आपको क्लियर नहीं हो रहा है. हेलो? Yes, sir. हो रहा है सर. Yes, sir, हो गया. आया सर. बताइए जरा मास्टर थ्योरम की थर्ड लिमिटेशन क्या है फिर. अरे यही तो है थर्ड लिमिटेशन. सुनिए ध्यान से, जो फंक्शन है वो पॉलीनोमियल लॉग ए बेस. हम मास्टर थ्योरम केस कब लगाते हैं? परमानेंट कंपैरिजन किसके बीच में करते हैं? एन टू द पावर लॉग ए बेस बी और एफएन के बीच में कंपैरिजन करते हैं. अब मैंने क्या बोला, मास्टर थ्योरम कब एप्लीकेबल होगी? जब एन टू द पावर लॉग ए बेस बी या तो पॉलीनोमियल टाइम ग्रेटर हो एफएन से, या पॉलीनोमियल टाइम स्मॉलर हो, या फिर एसिम्प्टोटली इक्वल हो. अगर इनमें से कोई भी केस नहीं होता है तो मास्टर थ्योरम कभी भी एप्लीकेबल नहीं है. अब शर्म के लिए तैयार हो जाइए. पहले बताइए, मैंने ये पहले बताया था कि नहीं? बताया था सर. यस सर. आप भी बताया था? हर बार. जल्दी बताओ, ये कहाँ पे बताया था मैंने? सर, जब आप केसेस लिखवा रहे थे. हाँ, वेरी गुड. सुनिए ध्यान से, उधर पे मैं क्या बोलता था, ध्यान से सुनना. वो दिखाता हूँ. अब आपको शर्म आए इसलिए ये काम कर रहा हूँ, ध्यान से देखना. शर्म के लिए ये काम कर रहा हूँ. तो जब मैं पूछूं आई कि नहीं, तब बताना मुझे. जब मैंने ये रेकंसिलिएशन लिखी थी, दोनों के लिए लिख के दिखाऊंगा. देखो तब थोड़ा सा स्पीड में करता हूँ. देखिए ध्यान से, ए बी एफ एन आपको दिख रहे हैं ना? यस सर. नाउ एन टू द पावर लॉग ए बेस बी, मैंने लॉग ए बेस टू यानी कि एन क्यूब. यस सर. तो मैंने फिर क्या किया था, इसका कंपैरिजन इसके साथ किया था. तो मैंने क्या बोला था कि एन fn is big O of n to the power log a base b and using some constant e, ये दोनों asymptotically equal हो जा रहे हैं, तो time complexity क्या होगी? Theta of n cube. Yes sir. बोलो. अरे सुनो ध्यान से, उस e का answer निकालने में कोई impact आ रहा था क्या? उस e का सिर्फ एक जगह impact आ रहा था, वही तो e ये बता रहा था कि polynomial time relation होना चाहिए greater या smaller. क्यों? सुनिए ध्यान से, पॉलीनोमियल क्या होता है हमारा? एन पावर कांस्टेंट. यस सर. यस सर. सुनो ध्यान से, जब मैंने आपसे ये इस टाइप की चीजें मैं लिख रहा था, एन टू द पावर लॉग ए बेस बी माइनस दिस, ध्यान से सुनिएगा, टू टू द पावर ए माइनस टू माइनस बी क्या होता है? टू पावर ए डिवाइडेड बाई टू पावर बी. यस सर. यही होता है. तो ध्यान से देखना, n to the power log a base b minus n power null, यानी कि क्या कर रहा हूं मैं? subtract polynomial time हटा रहा हूं कि नहीं हटा रहा हूं? Yes sir. तो कहने का मतलब polynomial time हटा के दोनों equal आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? या तो polynomial time यहां पे देखिए, इधर से polynomial time हटाया, दोनों equal आए. अगर case, अगर मैं case उसकी बात करता, case 3 की बात करता, देखो ध्यान से, जब मैंने reconciliation इस टाइप की लिख दी थी, 2tn by 2 plus n square. अरे ऐसा हो क्यों रहा है e की वैल्यू से? अगर ये कॉन्स्टेंट है तभी तो ये आएगा सर. अब देखो यार ध्यान से, इस केस में आओ जरा, इसमें करने की कोशिश करते हैं. देखिए ध्यान से, fn हमारा ग्रेटर है, नो डाउट. fn क्या है? n टू द पावर n log n. नाउ ये हमारा, आपने बोला ओमेगा है, n टू द पावर log a बेस b, n टू द पावर log a बेस b क्या है? 1. एंड यूजिंग सम e, क्या ये दोनों इक्वल आप कर लोगे? नो सर. नहीं कर पाओगे, क्योंकि n पावर e ये क्या है? पॉलीनोमियल. अरे यस सर. 2 पावर 2 स्क्वायर इनटू 2 क्यूब क्या होता है? 2 पावर 5. मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड होती है कि नहीं? यस
मैं कह सकता हूँ n पावर 1 इंटू n पावर e, और ये क्या हमारा n पावर 1 इंटू log n, n पावर 1 n पावर 1 कैंसिल. अब यूजिंग e क्या इन दोनों को आप इक्वल कर सकते हो? अगर आप नहीं कर सकते इसका मतलब ही क्या है? नहीं कर सकते इसका मतलब क्या है? दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब हम यूजिंग e दोनों को इक्वल नहीं कह पा रहे हैं, इसका मतलब मास्टर थ्योरम नॉट एप्लीकेबल. यस सर. तो थर्ड लिमिटेशन मास्टर थ्योरम की यही है. वो लिमिटेशन क्लियर कौन कराता है? ये e ही तो कराता है. यस सर. थर्ड लिमिटेशन बता रहा हूं फाइनली क्या है. n टू द पावर log a बीसीबी का कंपैरिजन किसके साथ हम करते हैं? fn के साथ. या तो वो पॉलीनोमियल टाइम ग्रेटर हो या पॉलीनोमियल टाइम स्मॉलर हो या फिर एसिम्प्टोटिकली. अब बताओ जरा मास्टर थ्योरम क्रिस्टल क्लियर? यस सर. बोलो कोई एक बोला भैया जाओ. हेलो क्या बोल रहे हो सर? अब एक डाउट है सर. सर fn अगर पॉलीनोमियल फंक्शन नहीं हो उसके बाद भी मास्टर थ्योरम एप्लीकेबल रहेगा, इसका मतलब कर सकते हैं? मास्टर थ्योरम डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होगी. अरे शर्म नहीं आ रही? मैंने आपसे शुरुआत में बोला था एल्गोरिथम की जो आप सोच रहे हो वो आएगा, जो नहीं सोच रहे हो वो आएगा, जो सोच भी नहीं पा रहे हो वो भी आएगा, बस समझ कुछ नहीं आएगा. मेरे हैंड से मास्टर थ्योरम क्या कंप्लीट हो गई? नो सर. मेरे हैंड से स्टार्ट कब हुई थी जो कंप्लीट हो गई? ये तो मैं बुकिश मेथड बता रहा हूँ. यस सर. शर्म नहीं आ रही? मेरे हैंड से स्टार्ट भी हुई? गंदी गंदी बातें करूंगा मैं ये तीन तीन फॉर्मूले? सुनो ध्यान से, अभी मैं आपको अकॉर्डिंग टू बुक्स क्लियर करा रहा हूँ. अरे देखो ध्यान से, जब आपको अकॉर्डिंग टू बुक्स क्लियर हो जाएगा ना, तभी तो जाके जब मैं आपको बताऊंगा अच्छे से मास्टर थ्योरम की रियलिटी में है क्या, तभी तो जाके आपको शर्म आएगी. तो पहले मैं शर्म के लिए आप लोगों को तैयार कर रहा हूँ अभी. क्लियर है? ओ, समझ में आया सर आप क्या चाह रहे हैं. अभी सुनो ध्यान से, जो आपने पूछा कि अगर सर fn हमारा, क्या नाम था आपका? माधवी. हाँ माधवी, आपका डाउट यही था ना माधवी कि fn सर हमारा पॉलीनोमियल फंक्शन ही होना चाहिए? यस सर. नहीं, जरूरी नहीं है. देखिए ध्यान से, अगर पॉलीनोमियल फंक्शन नहीं होता है हम तब भी कर सकते. कैसे कर सकते? हम डायरेक्टली नहीं कर सकते. हम क्या कर सकते हैं, हम उस रेफरेंस रिलेशन को मास्टर थ्योरम की फॉर्म की रेफरेंस रिलेशन में पहले कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में मास्टर थ्योरम लगाएंगे. समझ में आ रहा है सर? अभी अरे ऐसे समझो ना, सुनिए ध्यान से. सपोज मैंने आपसे बोला कि x इक्वल्स टू वाई है, ठीक है? अब एक रिलेशन है हमारा x प्लस थ्री इक्वल्स टू, और मैंने बोला कि मुझे x पसंद नहीं है. हेलो. yes, तो सुनिए ध्यान से, x x देख के मुझे फीवर आ जाता है, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता हूँ. तो अब ध्यान से सुनो, अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है इसका मतलब क्या है, मैं एक्स को टू वाई कन्वर्ट करूंगा? अरे बस इनफॉर्मली समझा रहा हूँ, कहने का मतलब क्या है, डायरेक्टली मैं नहीं भी कर पा रहा हूँ तो मैं इनडायरेक्टली सबसे पहले उसे कन्वर्ट करूंगा उस फॉर्म में. यस सर. क्लियर है? और कैसे करेंगे वो सब तो अभी मैं दिखाऊंगा. यस सर. और कोई डाउट? नो सर. नो सर. किसी को? नो सर. चलो अब सुनिए ध्यान से, दो मिनट का टाइम दे रहा हूँ क्योंकि मैं बोल बोल के थक गया हूँ. मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, अपने गले को रेस्ट दे दूँ. दो मिनट का टाइम दे रहा हूँ सिंसियरली. पहले अकॉर्डिंग टू बुक्स में बता दे रहा हूँ, मैंने मास्टर थ्योरम कंप्लीट कर दी है सर. दो मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से सोचिए. मास्टर थ्योरम वो, अब ये मास्टर थ्योरम मैंने कंप्लीट कर दी, उसकी तीनों लिमिटेशन बता दी. सबसे पहले ये तीन फॉर्मूले हैं कि नहीं? नो सर. नो सर. फिर बताओ कहाँ से आई? वो नहीं बताएंगे सर, फॉर्मूले नहीं, लेकिन आई कहां से वो हम बताते ही नहीं है. तो सुनिए ध्यान से, ये तीनों फॉर्मूले कहां से आए, और ये आपको बताऊंगा ये सब आए कहां से, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं है. दूसरा, रिकर्सिव ट्री मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये सिर्फ बेवकूफ बनाने के तरीके, कोई भी तीन मेथड है ही नहीं. क्लियर है? यस सर. जल्दी से दो मिनट का टाइम दे रहा हूँ, एनालाइज करिए, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ, फिर शर्म के लिए तैयार हो जाना, ठीक है?
चलिए कर लिए। हेलो यस सर। अब मुझे ये बताओ जरा, चलो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कि मास्टर थ्योरम क्या है। मुझे सबसे पहले तो ये बताइए जरा, कल मैंने आप लोगों को कुछ करने के लिए दिया था होमवर्क, आपसे क्या बोला था मैंने कि रिकर्सिव ट्री मेथड के 3 से 4 क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन मेथड के 3 से 4 क्वेश्चन करके आइएगा। करके आयो ना। हेलो यस यस सर। अरे रिकर्सिव ट्री मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड में कोई भी डाउट? नो सर। नो सर। नो। चलिए मुझे ये बताइए जरा, मास्टर थ्योरम के ये फॉर्मूले हैं कि नहीं? और जिसने भी बोला नहीं, एक्सप्लेनेशन देना शुरू करना। बोलो। लो अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। अरे ये पूछ रहा हूं, ये 3 फॉर्मूले हैं कि नहीं? मैं बताऊंगा नहीं, फिर देखो अकॉर्डिंग टू बुक्स तो मैं मास्टर थ्योरम कंप्लीट कर ही चुका हूं बस, ठीक है फिर कह दूंगा, भरोसा कर लो ये होता है। शर्म नहीं आ रही? अरे सुनो ध्यान से, जल्दी से बताओ जरा, ये फॉर्मूले है कि नहीं है? नो सर। नो सर। हाँ तो नहीं है तो कैसे आएगी? सर रिकर्सिव ट्री मेथड से अगर रिलेट करें तो उसमें जो अपने सर ये लिया n टू द पावर log a बेस पी, तो उसमें सर वो अगर उससे रिलेट करके देखें तो सर वो लास्ट लेवल का जो उसमें कॉस्ट आ रहा था शायद वही है सर। हाँ सर, क्योंकि डिवीजन कर रहे हैं तो इसलिए जो नंबर ऑफ टाइम्स वो प्रोग्राम चलेगा वो log के टाइम चलेगा, इसीलिए वो ऊपर n की पावर है। कुछ भी बोले जा रहे हो, मतलब बोलने के लिए मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो 3 केस के 3 फॉर्मूले लिखे हैं। हेलो सुनो ध्यान से, मेरा क्वेश्चन क्या है, ये जो 3 केस के 3 फॉर्मूले लिखे हैं मैंने क्या लिखे हैं? एफ एन इज बिग गो ऑफ एन टू द पावर लॉग ए बेस बी माइनस एफ एन वेयर वेयर दिस इज ग्रेटर देन 0, तो टी एन आ जाएगा हमारा थीटा ऑफ एन टू द पावर लॉग ए बेस बी। सिमिलरली ये ये तीनों कहां से आई? आप इसको देख के ये कैसे कह सकते हो, जो उस सेकंड वाली कंडीशन है उसको देख के ये कैसे कह सकते हो? सेकंड कंडीशन क्या आ जाती है? टीएन क्या आता है? थीटा ऑफ एफएन लॉगिन। कंडीशन देख के आप ये कैसे कह सकते हो, तीसरा वाला ये कैसे कह सकते हो, ये पूछ रहा हूं मैं, ये कहां से आए? बोलो। और आपका एक्सप्लेनेशन मुझे क्लियर होना हो, रिमेनिंग स्टूडेंट को क्लियर होना चाहिए, उन्हें क्लियर हो गया तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ सही बता रहे हो। बोलो सर। केस फर्स्ट में है ना सर, इंक्रीजिंग जीपी सीरीज बनेगी। केस फर्स्ट में इंक्रीजिंग जीपी सीरीज बनेगी बेटा। इंक्रीजिंग जीपी सीरीज का मुझे ये बताओ जरा, मैंने पूछा इसकी रीजनिंग क्या है, आप ये बोल दो कि आप मेल हो, आप मेल तो हो ना सर? तो ध्यान से देखो, आपके मेल होने का और इस क्वेश्चन का कोई लेना देना? नो सर। तो मैं ये बोल रहा हूं, जो भी रीजनिंग बोलो वो रीजनिंग लगनी तो चाहिए, रीजनिंग लगनी चाहिए इन द सेंस, मैं ये पूछ रहा हूं इफ ये इफ दिस देन दिस, यही बताया ना मैंने और यही पढ़ा आपने बीटेक में। यस सर। तो इफ दिस देन दिस ये आया कैसे, ये पूछ रहा हूं मैं पूछ क्या रहा हूं, आप बता क्या रहे हो मुझे? और अगर मैं ये भी मान लूं कि आप सही समझ रहे हो तो उसको रिलेट करके बताओ ताकि मुझे समझ में तो आए। सोचो ध्यान से, आप इंटरव्यू में जा रहे हो, आप ऐसी चीजें बोलोगे वो क्या बोलेगा? वो तो ऑब्वियस बात है कुछ बोलेगा ही नहीं, लेकिन डायरेक्टली उधर से क्या समझ में आ रहा है उसके दिमाग में, तो ये आ गया मतलब हो क्या रहा है? डायरेक्टली इंसान यही बोल दे कि ये ऐसा होता है क्यों, आज दिन है, आज मंडे है, इसलिए ऐसा है। उसको रीजनिंग को कनेक्ट करके बताओ, इसीलिए मैं बोलता हूं कि सुनो ध्यान से, क्रिस्टल क्लियर होने का मतलब क्या होता है, जो सही है वो क्यों सही है, जो गलत है वो क्यों गलत है, ये सब आपको पता होना चाहिए। से बताओ सर, इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिवाइड हो रही है और डिवाइड होने में जितना टाइम लगता है डिवाइड करने में वो होता है एफएन, तो जो लेवल्स आएंगी वो सर अगर हम देखें तो वो लॉग ए बेस बी लेवल्स ही आएंगी। लॉग लॉग ए बेस बी पाप। और कोई? ये वाला तो बड़ा पाप था, इसमें तो ज्यादा शर्म आएगी।
सर fn जो है हमारा लीफ लेवल, वो जो टॉप मोस्ट लेवल कॉस्ट होती है, हम उससे कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर किसको fn टॉप लेवल कॉस्ट को से किसको कंपेयर कर रहे हैं, मतलब जो n फिर n by 2 n by 3 ऐसे कर रहे हैं ना हम ट्री बना के, मतलब अगर उससे रिलेट करें तो हम कंपेयर करें तो अगर ये इक्वल आ जाए, ओ बड़ा आ जाएगा तो वही आंसर है। मैं क्या बोलूं? अच्छा ये बताओ, जो आप रीजनिंग दे रहे हो वो रीजनिंग आपको क्लियर लग रही है? चलो मुझे समझाना छोड़ो सर, वो अगर रिकर्सिव ट्री से रिलेट करेंगे बार बार, सबसे पहले बार बार रिकर्सिव ट्री के पीछे क्यों पड़े हुए हो, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको चीजें क्लियर होंगी ना, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, वो तीनों मेथड कुछ है ही नहीं, वो तीनों एक ही मेथड है, तीन अलग अलग मेथड वो है ही नहीं। और सुनो ध्यान से, अगर आप उससे भी रिलेट कर रहे हो तब भी कोई इशू नहीं, लेकिन एक चीज समझो कि जो चीज आप बोल रहे हो, सबसे पहले आप अपने आप को वो कन्विंस कर ले रहे हो। बेटा देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। होता क्या है, यही सबसे बड़ा इशू है जहां पे स्टूडेंट ट्रैप में आता है। कैसा ट्रैप? कि उसको लगता है उसको चीजें क्लियर हैं, जबकि रियलिटी में उसको क्लियर नहीं होती हैं। अरे मुझे इससे इशू नहीं है कि आपकी रीजनिंग गलत आ रही है, मुझे इससे इशू है कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी रीजनिंग गलत आ रही है। अरे कहने का मतलब सुनो, जैसे मैं बस इतना चाहता हूं कि आप सबके सब ऐसे ना बनो कि आपको मतलब किसी पे भरोसा करना पड़े, आपको समझ में आना चाहिए कि ये रीजनिंग करेक्ट है कि ये एक रीजनिंग गलत है। समझ रहे हो मेरी बात? हेलो, यस सर। अगर आप अपनी ही रीजनिंग चेक नहीं कर पा रहे हो तो किसी और की रीजनिंग कैसे समझोगे कि वो सही है कि नहीं है? पहले तो ये समझो कि रीजनिंग को कनेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, अभी जो आपने रीजनिंग क्या होती है, अभी मैं आपको बता रहा हूं, x माइनस टू इक्वल्स फाइव। हाँ बताइए x क्या होगा? सेवन। हाँ बताइए कैसे? टू उधर भेज दिया और सेवन प्लस कर, टू इधर कर दिया तो फाइव। हाँ पूरे डिटेल में बोलिए जल्दी से। टू को राइट साइड ले गए और फाइव के साथ ऐड करके x की वैल्यू आ गई, आ गई सेवन। ठीक, अब ये क्रिस्टल क्लियर रीजनिंग आपको समझ में आई? Yes, sir. Similarly, अब मैंने बोला if this then this, अब इसकी crystal clear reasoning दी ये, जैसे आपने इसकी दी है वैसे इसके दी है कि आपको भी वो convincing लगे। चलो last one minute दे रहा हूँ, जल्दी से कोई कोशिश कर रहा है तो करो। और एक चीज बता देना, रीजनिंग देते समय ये मत बोलना कि अगर हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखें या रिकर्सिव ट्री मेथड से देखें, क्योंकि जैसे ही आपने ये बोला उसी समय आपने पाप कर दिया, क्योंकि उसी समय आपने बोल दिया इनडायरेक्टली कि ये दो अलग अलग मेथड है कि उधर से देखें। अरे चिल होके बताओ बस, देखो मुझे आपकी रीजनिंग गलत आ रही है सही आ रही है उससे इशू नहीं है, बस मुझे इससे इशू है कि अगर आपको रीजनिंग अपनी गलत समझ में नहीं आई। नहीं बताओगे? चलो बताऊं आप। हेलो, चलो हो जाओ ऑप्शन के लिए तैयार। अब मुझे ये बताना जरा, ये मैंने पहले बताया था कि नहीं बताया था? सुनिए ना, मैं एक रेकरेंसिलेशन को पहले तीनों मेथड से सॉल्व करता हूं, किसी भी एक रेकरेंसिलेशन को पकड़ता हूं तीनों मेथड से सॉल्व करता हूं फिर करूंगा ये। क्लियर है? yes, या फिर मैं करता क्या हूं, आपकी नोटबुक में तो है ही। यस सर। यस सर। या फिर से मैंने tn लिखा, देखिए देखो 4tn by 2 plus n, ठीक है? जल्दी से कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या होगा, 4 square t, जल्दी बोलो, by 2 square plus n, रुको लो, 4 क्या होगा अब, 4tn by 2 by 2 यानी n by 2 का स्क्वायर प्लस n by 2 plus n, यानी ये क्या आ गया, 4 square t n by 2 square प्लस 2n प्लस n, कोई डाउट? नेक्स्ट टाइम 4 क्यूब t n by 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर n प्लस 2n प्लस ये क्या है, ये क्लियर है? yes. कोई डाउट? k टाइम्स ले गया 4 पावर k t n by 2 पावर k प्लस 2 पावर थीटा, तो 2 से खुल रहा था, सॉरी 3 था तो 2 से खुल रहा था, k है तो k-1 से खुलेगा। यस सर।
यस सर क्लियर यस अब देखिए ध्यान से ये टर्मिनेशन कंडीशन हो गई ये हो गई हमारी 1 यानी कि 4 पावर k इनटू 1 इनटू 1 का मतलब क्या डायरेक्टली 4 पावर k लिख दूं यस सर प्लस 2 प्लस n कॉमन ले लूं टू पावर के माइनस वन प्लस टू पावर के माइनस टू एंड सो ऑन टू पावर जीरो अब ध्यान से देखिए अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो देखिए ध्यान से ये यहां से देखो डिक्रीजिंग जीपी सीरीज फर्स्ट टर्म आंसर यानी कि टू पावर के माइनस वन क्या है टू पावर के बाई टू यानी कि टू पावर के क्या है हमारा एन तो एन और एन एन स्क्वायर यहां से भी क्या आ रहा है एन स्क्वायर यानी एन स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा Yes, sir. Yes. कोई डाउट नो सर अभी मुझे इतना रिक्वायर्ड नहीं था बस ये क्लियर है ना जो अभी मैंने लिखा अरे एन स्क्वायर निकाल दिया ये क्लियर है सबको यस सर चलो बाबू जरा इसी रेकरेंस रिलेशन को मैं करता हूँ रिकर्सिव टी मेथड से देखो ध्यान से मैं क्या बोलूंगा प्रॉब्लम साइज था एन कितना टाइम लगा मुझे नहीं पता कितना टाइम लगा यूजिंग एन टाइम प्रॉब्लम चार सब प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है हर एक का साइज क्या हमारा एन बाई टू बोलो n n by 2 n by 2 n by 2 and n by 2 clear yes similarly ये भी चार में ये reference relation कराई है आपकी notebook में मैंने yes ठीक है तो speed कर दे रहा हूँ देखो ध्यान से कहाँ तक n by 2 power k तक clear अरे k times किया Yes, sir. Yes, sir. और के क्या आ गया हमारा लॉग इन क्लियर है ना तो अब ध्यान से सुनिएगा ये तो मैंने ट्री का स्ट्रक्चर बना दिया अब मैं अगर कॉस्ट की बात करूं तो क्या था जो प्रॉब्लम साइज था कितना टाइम लगा मुझे नहीं पता कितना टाइम लगा यूजिंग एन टाइम प्रॉब्लम चार सब प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जा रही है हर एक का साइज एन बाई टू है बोलो yes, sir. अब ध्यान से देखिए एक से चार कन्वर्ट हो रही है अब देखिए ध्यान से कह सकता हूँ प्रॉब्लम साइज था एन तो कितना टाइम लगा टी ऑफ एन Clear? इसके लिए कितना टाइम लगा n by 2 n by 2 n by 2 हर एक के लिए n by 2 मतलब 4 times n by 2 similarly इधर पे 4 square into n by 2 का square clear तो अब ध्यान से देखिए इधर पे ये क्या रहा होगा n power 2 power k minus 1 रहा होगा कि नहीं yes sir चलो इस लेवल की अगर मैं बात करूं इस लेवल की अगर मैं बात करूं तो देखिए ध्यान से यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ चलो देखिए ध्यान से ये क्या है 2 पावर 0 ये क्या है हमारा 2 पावर 1 तो देखिए ध्यान से जब ये n by 2 स्क्वायर था तो 4 स्क्वायर सब प्रॉब्लम थी तो यहाँ पे सब प्रॉब्लम क्या होंगी 2 पावर k माइनस 1 ये क्या कर रहा हूँ मैं अरे 2 नहीं 2 नहीं 2 नहीं ये तो ये होगा ना 4 4 पावर की माइनस 1 डिवाइडेड बाय इनटू n डिवाइडेड बाय 2 पावर की माइनस 1 क्लियर है तो अब ध्यान से देखिए रहा ये हमारा क्या आ जाएगा 2 पावर के माइनस कह सकता हूं 4 पावर के डिवाइडेड बाय अरे इसको मैं लिख सकता हूं 2 पावर 2 के माइनस 2 2 पावर के माइनस 1 इनटू 2 पावर 2 पावर के माइनस 1 आ जाएगा 2 पावर के माइनस 1 n क्लियर है yes, sir. अब ध्यान से सुनिएगा सुनिए इसके लिए कितना टाइम कांस्टेंट हर एक के लिए कितना टाइम कांस्टेंट कांस्टेंट अब मुझे ये बताइए जरा ये कांस्टेंट कितनी बार 4 पावर k टाइम्स यस 4 पावर k माइनस 1 थी 4 पावर k टाइम्स क्लियर है यस yes, सर आ रहा है समझ में यस सर चलो देखो ना कितने टाइम्स 4 पावर k टाइम्स कांस्टेंट फाइनली आप सब कुछ ऐड करते हो यस सर फाइनली सब कुछ ऐड करते हो कि नहीं यस सर अब सुनिए ध्यान से n स्क्वायर प्लस n क्यूब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n क्यूब जो ग्रेटर वो आंसर यस सर अभी तक कोई डाउट बोलो नो सर अरे मैं मास्टर थ्योरम पे अभी गया ही नहीं हूं अभी तक कोई डाउट नो सर चलो अब देखो
अब इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करता हूँ, सुनिए सुनिए ध्यान से। अब मैंने आपसे बोला रेकरेंस रिलेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। पहले तो मैं मास्टर थ्योरम के फॉर्मूले ब्रेक करता हूँ। मास्टर थ्योरम कब एप्लीकेबल है? Tn equals Atn by b plus Fn। Yes sir. Yes sir. Master theorem केवल किन reference relation में applicable है? अगर reference relation हमारी इस form की होती है, क्या? Tn equals Atn by b plus Fn. बोलो। Yes sir. Here a क्या है? Number of sub problem. N by b क्या है? Size of each sub problem. Fn क्या है? Amount of time required to divide and combine the sub problem. मतलब तभी applicable होगी जब problem हमारी divide and conquer का application होगी। Yes sir. Yes sir. चलिए सुनिए ध्यान से। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए b की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, पहली लिमिटेशन b की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यानी कि प्रॉब्लम शुड बी डिवाइडेड, प्रॉब्लम शुड बी डिवाइडेड, यानी कि नंबर ऑफ लेवल लॉग एन बेस b होंगी कि नहीं? यस सर। यस सर। ये बेस b होंगी। यस सर, वो गलती से बोल दिया। हां देखना, गलती से कहीं मेल ना बोल दो, हो जाता है कभी-कभी। क्लियर है? देखो, अब मैंने आपसे बोला ये हमारी डिवाइड एंड कॉन्क्योर का एप्लीकेशन है और एफ एन हमेशा हमेशा क्या है हमारा पॉलीनोमियल टाइम ग्रेटर या स्मॉलर है। इसका मतलब क्या है? मैंने क्या बोला, या तो जीपी सीरीज नहीं बनेगी, जीपी सीरीज नहीं बनेगी मतलब हर लेवल की कॉस्ट सेम आएगी, या फिर जीपी सीरीज बनेगी। ध्यान से देखो, अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते, तो ध्यान से सुनना, ये यहाँ पे क्या आता, ए टू द पावर नंबर ऑफ लेवल्स आती कि नहीं आती? यस एंड सो ऑन। ये क्या था, टी एन बाई जो कुछ भी आता, ये सब कुछ हमारा टर्मिनेशन कंडीशन यानी कॉन्स्टेंट बनता, तब तक चलता जाता। कह सकता हूं एफ एन हमारी टॉप लेवल की कॉस्ट थी, फिर हमारी नेक्स्ट लेवल की कॉस्ट, फिर हमारी नेक्स्ट लेवल की कॉस्ट, आप ऐड करते जाते। yes, finally, sir. वो a पावर k में ऐड होती। yes, a पावर k क्या होता है? k क्या हमारा नंबर ऑफ लेवल, और नंबर ऑफ लेवल लॉग एन बेस टू बेस भी होती कि नहीं? yes, log की प्रॉपर्टी लगाते तो n टू द पावर log a बेस भी आता कि नहीं आता? आता सर। कहने का मतलब है n टू द पावर log a बेस भी है क्या लीफ लेवल कॉस्ट? सुनो ध्यान से, फिर से बता रहा हूँ ताकि अच्छे से शर्म आ जाए। देखो ध्यान से, आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो चाहे रिकर्सिव टी मेथड से करो, ये क्या है ए नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम नेक्स्ट लेवल पे, उसके नेक्स्ट लेवल पे ए स्क्वायर सब प्रॉब्लम होगी क्योंकि हर एक की ए सब प्रॉब्लम, उसके नेक्स्ट लेवल पे ए क्यूब होंगी, लेवल पे ए पावर के सब प्रॉब्लम होंगी कि नहीं, और वो सारी की सारी सब प्रॉब्लम कब तक गई, जब तक कि टर्मिनेशन कंडीशन नहीं बन गई, यानी कि हर टर्मिनेशन कंडीशन कांस्टेंट टाइम, यानी कि ए पावर के लिए एक पावर के टाइम, और के क्या है नंबर ऑफ लेवल डिवाइड डिवाइड हो रही है प्रॉब्लम, यानी कि नंबर ऑफ लेवल लॉग इन बेस भी होंगी। यस यस, पावर लॉग इन बेस भी होगा तो लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे तो एन टू द पावर लॉग इन बेस भी आएगा। यस कर, कहने का मतलब है ये हमारा लीफ लेवल कॉस्ट है कि नहीं? इंटरमीडिएट लेवल कॉस्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। yes, sir. अरे रिकर्सिव yes, मेथड में भी तो यही कर रहा था जो दिखाई नहीं दे रहा था, ये इंटरमीडिएट ये लीफ लेवल, सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी तो यही कर रहा था। yes, sir. यही कर रहा था, देखो ध्यान से, ये लीफ लेवल कॉस्ट, ये इंटरमीडिएट लेवल कॉस्ट, जो ग्रेटर वो आंसर। Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. ध्यान से देखो, वो एक भी फॉर्मूला है। अब सुनो ध्यान से, अब मैं अगर पहले तो ये बताऊं, वो एक भी फॉर्मूला है जो कंपैरिजन आप कर रहे हो? No, sir. A और B का आप कंपैरिजन कर रहे हो तो होगा क्या, या तो A ग्रेटर या A स्मॉलर या दोनों इक्वल? Yes, sir. अब सुनो ध्यान से, अरे कहां गया, हाँ सुनो ध्यान से, या तो ए ग्रेटर या ए स्मॉलर या इक्वल, तो अब देखिए ध्यान से, मैंने लीफ लेवल कॉस्ट को कंपेयर किया इंटरमीडिएट लेवल कॉस्ट के साथ, तो सुनिए ध्यान से, अगर दोनों इक्वल इसका मतलब क्या, हर लेवल की कॉस्ट सेम? yes, अरे हर लेवल की कॉस्ट सेम और नंबर ऑफ लेवल है लॉग एन, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, जो कॉस्ट थी इनटू लॉग एन। यस सर, फॉर्मूला है? यस नो सर। नो सर, कौन बोला? नो सर, हर लेवल की कॉस्ट सेम, नंबर ऑफ लेवल लॉग एन, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो कॉस्ट थी टॉप लेवल की इनटू लॉग एन। यस सर,
नाउ सुनिए ना से, अब मैंने आपसे बोला अगर होगा क्या, या तो जीपी सीरीज नहीं बनेगी ये वाला सीन, या फिर जीपी सीरीज बनेगी। अब जीपी सीरीज हमारी दो टाइप की होती है। अगर टॉप लेवल की कॉस्ट ज्यादा है, अगर टॉप लेवल की कॉस्ट ज्यादा है तो इसका मतलब क्या, डिक्रीजिंग जीपी सीरीज यानी फर्स्ट टर्म आंसर यानी कि FN। यस सर, यही तो है हमारी टॉप लेवल की कॉस्ट, केस 3 ऑफ मास्टर थ्योरम। यस सर। अब जो 40n/2 बोला, इधर पे क्या है, लीफ लेवल की कॉस्ट ज्यादा है, तो n टू द पावर log a बेस b, लीफ लेवल इधर ही से तो आता है, a पावर k, और k क्या है, log n बेस b। यस सर। एक भी फॉर्मूले सर, अभी भी नहीं आया सर, आ गया सर। अरे समझ की शर्म, शर्म अभी रुको, थोड़ी सी और आज तो मुझे अपना नाम प्रूव करना है। अरे सुनो ध्यान से, मैंने अपना नाम बोला बैडमैन, मान लोगे? अरे अभी रुक जाओ तुम, अभी शर्म पहले कुछ भी बोले जा रहे हो और बोल दे रहे हो इससे रिलेट कर रहे हैं। देखो जरा ध्यान से, जो आपको इधर ऐसे दिखाई दे रहा है, जो मैंने ऐसे लिखा है, ध्यान से देखो क्या लिखा है ये, क्या लिखा है ये, इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो, आंखों का यूज करना है। अब देखो ध्यान से, जो आप इधर से पढ़ रहे हो, देखो ध्यान से, ये मैंने इधर से 1 से 2 लिखा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इधर पे आओ जरा इस साइड, वन से टू वही आ गया। यस सर, समझ नहीं आया। यस सर, अरे उसको उठा के मैंने कह सकता हूँ उसको एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घुमा दिया। Yes, बस क्लियर है। Yes, जल्दी से 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, एक बार मास्टर थ्योरम देखिए, कोई डाउट है जल्दी से पूछिए। सर, मास्टर्स की सेकंड लिमिटेशन सिर्फ a greater than 1 b greater than 1 है। हाँ, सो वही है ना, a greater than 1 नहीं, greater than equal to 1। यस सर, एक सब प्रॉब्लम तो हो सकती है ना, अरे इतने सारे क्वेश्चन ही आपने किए। यस सर, लिमिटेशन सेकंड और थर्ड तो वो पॉलीनोमियल टाइम्स वाली है। नहीं नहीं, पहली लिमिटेशन है राइट हैंड साइड, एक ही डिस्टिंक्ट फंक्शन, वो एक ही डिस्टिंक्ट फंक्शन फॉलो, डिस्टिंक्ट फंक्शन। दूसरी लिमिटेशन है बी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, मतलब प्रॉब्लम शुड बी डिवाइडेड होनी चाहिए। तीसरी लिमिटेशन है कि वो जो FN है, वो जो हमारी इंटरमीडिएट लेवल कॉस्ट है, वो लीफ लेवल कॉस्ट से, अरे एन टू द पावर लॉग ए बेस भी क्या है, वो तो बेवकूफ बनाने के लिए बोल दिया जाता है। जो इंटरमीडिएट लेवल कॉस्ट है वो लीफ लेवल कॉस्ट से, या तो पॉलीनोमियल टाइम ग्रेटर हो, या पॉलीनोमियल टाइम इक्वल हो, या फिर पॉलीनोमियल टाइम स्मॉलर हो, और कुछ ना हो। यस सर, क्लियर? यस सर, बोलो किसी को डाउट अगर मास्टर थ्योरम में अभी? नो सर। तो अब मैं आपसे फाइनली पूछना चाहता हूं, सुनो ध्यान से, रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। नो सर। भावनाओं के साथ खिलवाड़ कैसे किया गया है कि मेरा नाम अनुराग है, मैं अनुराग हूँ, माय नेम इज मायसेल्फ अनुराग, ये 3 अलग अलग चीजें बोली कि नहीं बोली मैंने? यस सर। नो सर, शर्म नहीं आ रही बिल्कुल, ये 3 अलग अलग चीजें थी। एक ही चीज को घुमा घुमा के बोला है कि नहीं? जब आप घुमा घुमा के बोल सकते तो कर भी सकते, क्यों बोलना आना चाहिए बस। अरे जो एल्गोरिथम शुरुआत में ही आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है, मैथ में लेस देन इक्वल टू सेट थ्योरी में सबसेट एल्गोरिथम में, बेगो बात तो एक ही है। यस सर, क्लियर है? यस सर। चलो अब सुनिए ध्यान से, रेकरेंस रिलेशन लिख रहा हूं, फाइंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द फॉलोइंग रेकरेंस रिलेशन।
फाइंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द फॉलोइंग फाइंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द फॉलोइंग रेकरेंस रिलेशन. चलिए नहीं है ना किसी को कोई डाउट, जल्दी बोलो. बोलो. नो सर. सर लिखिए क्वेश्चन. 2t√10 प्लस सी टर्मिनेशन कंडीशन क्या है जो आपको अच्छी लगे वो ले लेना. क्लियर ना. हाँ क्वेश्चन के पहले चलना है ना, जल्दी जल्दी बोलो. आंखें कान सब कुछ. यस सर. चूज कर सकते हो. यस सर. सॉरी सर पर मेरा 6:20 पर मिड सेम चालू हो गया, क्या मैं अब जा सकता हूँ? बेटा जाने वाले को कौन रोक सकता है? रोहित. हेलो जी सर. अरे अब आपका मिड सेम चालू हो गया, जाने वाले को कैसे रोक सकता हूँ? मिड सेम इम्पोर्टेंट, मिड सेम ऑब्वियसली पेपर है. क्या करें यार, जल्दी छोड़ दूं? आपके ऊपर है. लेकिन आज मैं जल्दी छोड़ूंगा तो फिर कल को ही बोलेगा सर आज मेरा मिड सेम है. सर वो रिकॉर्डिंग पर रख दे सर, रिकॉर्डिंग पर रख दे वो कॉलिंग. सुनीता जी इन सारी की सारी रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करिए. अरे नहीं मैं जल्दी इसलिए छोड़ सकता हूँ क्योंकि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए मैं टाइम दूंगा, 7 बजे तक की तो क्लास ही है. समझ में आ रहा है? मेरे दिमाग में मेडिसिन नहीं आता है, मेरे दिमाग में 10 मिनट का लालच आता है कि अभी मैं आपको 10 मिनट के लिए अटेम्प्ट करने के लिए टाइम दूंगा, फिर मेरे पास 20 मिनट का टाइम होगा. लेकिन अगर मैं आज क्लास अभी छोड़ देता हूँ तो मैं ऑब्वियसली बात है किसी दिन हाफ एन आवर एक्स्ट्रा लूंगा. लेकिन सुनो ध्यान से, आज छोड़ रहा हूँ फिर छोड़ूंगा नहीं मैं बाद में जल्दी. yes, sir. ये क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियरली अटेम्प्ट करिएगा. हाँ माधवी सुनिए ध्यान से, एक डाउट आया मुझे. हेलो. yes, sir. से मैंने क्या बोला था, पॉलिनोमियल टाइम स्मॉलर या ग्रेटर? देखो जरा ध्यान से, इधर पे ये लॉग इन है लेकिन मैं इसमें भी मास्टर थ्योरम से निकाल दूंगा आंसर. मास्टर थ्योरम डायरेक्टली एप्लीकेबल है क्या इन रेकरेंस रिलेशन में? नो सर. नो सर. तो मैं क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा मास्टर थ्योरम की फॉर्म का. yes. लेकिन क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द फॉलोइंग रेकरेंस रिलेशन. चलो एक कर देता हूँ. अच्छा मैं तब कोई भी मैं. हाँ सर कर दीजिए. एक कर देता हूं मैं, देखिए एक कर देता हूं. ये क्वेश्चन लिख लिया सबने? यस सर. चलिए देखिए सुन, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए जरा, ये रेकरेंस रिलेशन क्या मास्टर थ्योरम की रेकरेंस, क्या मास्टर थ्योरम की रेकरेंस रिलेशन के फॉर्म की है? नो सर. तो मैं क्या डायरेक्टली मास्टर थ्योरम लगा सकता हूं? नो सर. नो सर. नाउ लिखिए मास्टर थ्योरम नॉट पॉसिबल. देखिए मास्टर थ्योरम नॉट पॉसिबल बिकॉज B is not greater than 1, because B is not greater than 1. So convert it into master theorem form. Pehla detail mein isliye bas. So convert it into master theorem. Ek baar repeat kariye. Master theorem not possible because B is not greater than 1. So convert it into master theorem form. So convert it into master theorem form. लिखा? Yes sir. Now so convert it into master theorem form. मैंने क्या किया, master theorem के form में मुझे convert करना है. तो ध्यान से देखिए master theorem इधर पे क्यों नहीं लग सकती थी, पहले reasoning करो उसकी. ये square root of n है कि नहीं? Yes sir. जबकि उधर पे हमें n by b चाहिए, कहने का मतलब है मुझे ये square root गायब करना है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. कहने का मतलब है ध्यान से देखिए, ये reference relation हमारी क्या है, इसी reference relation को लिख रहा हूँ, tn equals 2t n power 1 by 2 plus c है कि नहीं? root n ही क्या होता है, power 1 by 2, वही लिखा है मैंने. yes, sir. तो अब सुनिए ध्यान से, मैंने convert किया master theorem के form में, उसके लिए मैंने क्या किया कि assume कर लिया n क्या है 2 power k, तो k क्या हो जाएगा हमारा? Log n. Yes. तो अब ध्यान से सुनिएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा log n. तो ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने वैल्यू रखी t n, n की जगह क्या रखा 2 power k, तो ये क्या आ जाएगा 2t
एन पावर वन बाई टू, एन पावर वन बाई टू, एन की जगह क्या रखा मैंने टू पावर के, तो ये क्या आ जाएगा टू पावर के बाई टू प्लस इट इज। क्या अभी मास्टर थ्योरम लग सकती है? नहीं लग सकती। नहीं। तो मैंने क्या किया, लेट पी, अभी तक क्लियर है? यस सर। टी टू पावर के को ले लिया मैंने एस ऑफ की, ठीक है? तो अब ध्यान से सुनिए, हेलो, अरे पावर के को ले लिया मैंने एस ऑफ के, तो देखिए ध्यान से ये हमारा क्या आ जाएगा एस ऑफ के, मतलब जो इनपुट था टू पावर के को उसको ले लिया मैंने एस ऑफ के, तो देखिए एस ऑफ के क्या आ जाएगा हमारा टू टू एस ऑफ के बाई टू आ जाएगा कि नहीं? Yes, टू पावर के है तो के लिया, टू पावर के बाई टू है तो के बाई टू आ गया प्लस सी, ये तो एज इट इज। अब ध्यान से देखिए मास्टर थ्योरम लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी? Yes, sir. अब मैंने इसको कंपेयर किया मास्टर थ्योरम की रेफरेंस रिलेशन के साथ, तो देखो जरा ध्यान से, ए क्या आ गया हमारा टू, बी क्या आ गया हमारा टू, एफ ऑफ के आएगा कि एन आएगा? एफ ऑफ के, तो देखिए ध्यान से टी ऑफ के क्या आएगा, टी ऑफ के क्या आ जाएगा हमारा, सॉरी टी ऑफ के कह रहा हूं मैं, एस ऑफ के आएगा टू एस। सुनिए ध्यान से, अरे ये तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, एन टू द पावर लॉग ए, के टू द पावर लॉग ए बेस बी, अरे कहने का लो कुछ लिख दे रहा हूँ, पावर लॉग ए बेस बी निकाला यानी के टू द पावर लॉग टू बेस टू यानी कि के। अब ध्यान से सुनना, ये के कॉन्स्टेंट नहीं है इधर पे, ये फंक्शन है। आंसर हा माधवी, हेलो, अब पूछिए डाउट, पूछो सर, अभी तो कोई नहीं, नहीं अब पूछो डाउट, हद हो गई, जब तक मैंने कंप्लीट नहीं किया तब तक डाउट पूछते हो, कंप्लीट करने के बाद पूछो आप डाउट। अब आप डाउट पूछे देखो, मैं एक चीज की गारंटी देता हूं, आप जो भी डाउट पूछोगे रिप्लाई में आपको शर्म आएगी। पूछो सर, कोई डाउट नहीं है अभी तो, है किसी को कोई डाउट? बोलो जल्दी बोलो। सुनिए ध्यान से, एक क्वेश्चन मैंने कर दिया है, दो क्वेश्चन आप लोग करना, मुझे एक डाउट है लेकिन वो मैं कल पूछूंगा। ओके सर, अभी आज को टाइम, आज मैंने आपको टाइम दे दिया, क्लियर है? यस सर। कल मिलते हैं, और सुनिए ध्यान से एक काम करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे अराउंड कितने बजे तक सोते हो? 11:30 के पहले तो कोई नहीं सोता है? नहीं सर। ओ सर, एक मैसेज डालूंगा ग्रुप पे, कुछ मैंने सोचा है, देखता हूँ पॉसिबल हो पाता है कि नहीं, फिर 11 बजे आपको बताऊंगा। यस सर। रीजन बीइंग आप लोग का अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है ना? नहीं सर। करना चाहते हो? यस सर। सारे के सारे? यस सर। Yes, फिर कल बताऊंगा आपको। मुझे ये बताइए जरा, सुबह आपका, सुबह आपकी सुबह वाली क्लास की टाइमिंग क्या है? 7:30 to 9:30 बैक टू बैक क्लासेस कर लोगे उसके बाद? हाँ सर। yes, सर 10 बजे से चल जाएगा? यस सर, चल जाएगी। तो गेट रेडी फॉर हेल, सही सुना आपने, हेल अच्छा लगता है एविन? सर जिंदगी में हेल है सर। हाँ तो बस हेल के लिए तैयार हो जाइए, रात को आपको मैसेज करूंगा, ठीक है? और ये कुछ मैसेज कर लीजिएगा, चलिए थैंक यू सो मच। यस सर, थैंक यू सर। सर आप जो भी पढ़ा रहे हैं सब पढ़ा दी, क्या आप सर आप जो भी पढ़ा रहे हैं सब पढ़ा दीजिए, मतलब समझा नहीं ना? रजनीकांत बोलना है सर आपको इनडायरेक्टली, रजनीकांत। अरे शर्म यारी, मैं कोई सारे सब्जेक्ट, अरे नवीन सारे सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए मुझे आने भी तो चाहिए, मैं तो एल्गोरिथम सीख रहा हूँ। अरे आपको पता नहीं है, तनीषा और तान्या ने मुझे व्हाट्सएप पे सिखाई थी मास्टर थ्योरम, तभी तो मैं करके आया। नहीं नहीं, क्या नहीं नहीं? अरे आप लोग, अरे आप ही लोगों ने तो बताया मास्टर थ्योरम क्या होती है। यस सर।
चलो कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच। और इतनी जल्दी परेशान मत हुआ करो, इतनी जल्दी जजमेंट मत दिया करो, अभी एल्गोरिथम कंप्लीट हो गया क्या? नो सर। कीर्तन नहीं था, बगल में कीर्तन था, इधर पे मैं क्लास कहां से पढ़ा था, उधर पे चिल्ला लाउड स्पीकर की आवाज आ रही थी। चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।